लोगों का प्रारंभ होने जा रहा है। इस सत्र में हम लोगों को उद्बोधन प्राप्त होगा आचार्य ईश्वर शरण विश्वकर्मा जी का। हम सभी आपसे परिचित हैं, आचार्य ईश्वर शरण विश्वकर्मा जी वर्तमान समय में उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ एक कुशल इतिहासकार, एक मूर्धन्य इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ता के रूप में भी आपकी पहचान से हम सभी भली भांति अवगत हैं। इसके अतिरिक्त आप दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के आचार्य भी हैं और आज आपका जो विषय है जिस पर हम सभी को मार्गदर्शन प्राप्त होगा वह है भारतीय काल गणना एवं पांचांग। मैं इस ओर भी ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा सभी विद्वजनों का और सुधीजनों का कि भारतीय काल गणना एवं पांचांग ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और समसामयिक विषय है। आज जिस भारतीय काल गणना की महत्ता को समूचा पाश्चात्य जगत मान रहा है, नासा के जो प्लेनेटोरियम सॉफ्टवेयर्स हैं वो हमारी इस कालगणना के आधार पर संचालित हो रहे हैं, ऐसी हमारी भारतीय कालगणना और पांचांग आज हमारे पाठ्यक्रम के विषयों में, आज हमारे सिलेबस में अछूते हैं। और इवन पांचांग जो लगभग हम सभी के घरों में पहले रहा करते थे, जिनके आधार पर हम तिथियों की गणना किया करते थे, ये पांचांग भी आज हम लोगों के घरों से नदारद धीरे धीरे हो रहे हैं। और इतना ही नहीं, पांचांग का अर्थ भी मुझे नहीं लगता, मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी बात कह रहा हूं, पांचांग का अर्थ मुझे भी नहीं मालूम है कि वे कौन से पांच अवयव हैं, वो कौन से पांच अंग हैं जिन्हें समाविष्ट करते हुए इस पांचांग की रचना की जाती है। हालांकि अभी कुछ दिन पूर्व एक विप्र से हमारी भेंट हुई, उन्होंने पांचांग को परिभाषित करते हुए कहा था कि तिथिवारम च नक्षत्रम कर्णम दिकम एव च इति पांचांगम। अब ये उक्ति कहां तक सही है मैं नहीं जानता, लेकिन पांचांग जैसे महत्वपूर्ण चीज के अवयव को भी हम नहीं जान पा रहे हैं, ये एक दुर्भाग्य है हम लोगों का। और भारतीय कालगणना और पांचांग इस विषय पर आज हम सभी का मार्ग प्रशस्त होगा। मैं आदरणीय विश्वकर्मा सर को इस विषय पर व्याख्यान देने के लिए आहूत करता हूं। आचार्य विश्वकर्मा जी, बात वो नित्याय नाथाय निरंजनाय निमात निष्कंप सुख सुखोपमाय ज्योति स्वरूपाय नवो निभाय गोरक्षनाथाय नमः शिवाय। श्री गोरक्षपीठ द्वारा संचालित महानपा शिक्षा परिषद की देखरेख में शैक्षिक जगत में एक नए प्रतिमान की ओर बढ़ने वाले महाविद्यालयों की श्रृंखला में महानपा महाविद्यालय जंगल भूषण द्वारा गोरखपुर के जो सीमावी क्षेत्र में स्थित है, ऐसे सुरम्य वातावरण में इस महाविद्यालय ने एक अत्यंत उच्च कोटि के विषय को इतिहासकारों के बीच रखा है, सभी जिज्ञासुओं के बीच में रखा है। इसके लिए मैं इतिहासकार और हम सबके मित्र डॉक्टर प्रदीप कुमार राव जी को बधाइयां देता हूं, जिनके इतिहास के अंतर्दृष्टि के नाते ऐसे अछूते पृष्ठ चिंतन मनन के बड़े फलक पर लेकर के चर्चा के लिए सामने आए हैं। मैं डॉक्टर सुबोध जी को भी बधाई देता हूं, जो प्राचीन इतिहास तथा संस्कृति विभाग के वहां के प्राध्यापक हैं और जिनके संचालन से मैं देख रहा हूं कई अवसरों पर इतिहास के बहुत अच्छे अच्छे विषय सामने आए हैं। आज के इस अवसर पर अभी मैं सुन रहा था अपने श्रद्धेय गुरुदेव शिवाजी सिंह को, जिन्होंने वैदिक संस्कृति और सत्य सिंधु सभ्यता के संबंध में अपने लंबे कार्यों अनुभवों का सार हम सबके सामने रखा है। निश्चित रूप से यह ऑनलाइन संगोष्ठी उनके आशीर्वाद, उनके शुभारंभ, उनके पाथेय और उनके वैदुष्य से आगे बढ़ेगी। से सभी व्याख्यान जो इसमें होने वाले हैं, आदरणीय प्रोफेसर विप्रा दुबे जी के, आदरणीय प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ला जी के दिल्ली वाले, अपने मित्र प्रोफेसर राजवंत राव के, और इतना ही नहीं
इतिहास संकलन योजना के राष्ट्रीय संगठन सचिव डॉक्टर बाल मुकुंद पांडे जी का पाठ्य प्राप्त होगा। इससे तमाम सारे विषय जो अछूते पृष्ठ हैं भारतीय इतिहास के, खास करके प्राचीन भारतीय इतिहास के, उनके नए फलक पल्ले करके काम करने का अवसर मिलेगा। मैं इस विषय के शुभारंभ के पूर्व मैं नमन करना चाहता हूं अपने इतिहास पुरुष को। हम सब जानते हैं कि भारतीय मनीषा, भारतीय ऋषि परंपरा विश्व में समादृत है और उसकी जो तापस जीवन की ऊंचाइयां हैं, आज भी सारा विश्व का विज्ञान, सारे वैज्ञानिक अपने अनुसंधानों के माध्यम से उसको जान नहीं पाए हैं। ऐसे में प्राचीन भारतीय इतिहास के अनछुए पृष्ठों में भारतीय कालगणना और पंचांग को लेकर के जो विषय हम लोग चर्चा करेंगे, यह विषय उसी प्रकार का है। अगर कहा जाए तो भारतीय मनीषियों की, भारतीय ऋषियों की यह तपस्या का निकस है जो भारतीय भूमि पर उस निकस को, उसके आलोक को पूरे जगत के हित के लिए भारतीय मनीषियों ने खोजा, सृजित किया, लिपिबद्ध किया, जिनके सूत्र हमको वैदिक ऋचाओं, उपनिषदों, पुराणों, महाकाव्यों और परवर्ती संस्कृत साहित्य में खूब मिलते हैं। कहा जाता है कि इतिहास कुशाभास सुकराश्य महोदर अक्षर सूत्रम घटम विभ्रत पंकजा घड़ान बीता। ये जो हमारा इतिहास पुरुष है, इसकी संकल्पना हमारे ऋषियों ने की है। इस संकल्प सूत्र के माध्यम से, इतिहास पुरुष की अवधारणा के माध्यम से पूरे इतिहास के कालगणना का आलोक हो जाता है। पूरी सृष्टि का एक भव्य स्वरूप सामने आता है, अंतर्मन में आता है। इसलिए आज के अवसर पर इस ऑनलाइन संगोष्ठी जुड़े हुए सभी प्रतिभागियों को, भाई बहनों को, उनसे अनुरोध करता हूं अपने जीवन की सार्थकता के लिए, अपने जीवन की चरितार्थता के लिए, अपने जीवन को सत्प्रक बनाने के लिए इतिहास पुरुष को अपने हृदय में रखें, क्योंकि इसमें कहा गया है कि सृष्टि संबंध का प्रारंभ श्वेत वाराह कल्प से होता है। हम जिस कालगणना की बात कर रहे हैं उसका शुभारंभ यहीं से है। भारतीय मनीषा ने सृष्टि संबंध की से पूरी कालगणना मानी है और माना है कि वह कल्प था श्वेत वाराह का, और जो इसीलिए इतिहास पुरुष वराह मुख है। वराह की अवधारणा हम सब जानते हैं, वैष्णव धर्म में पूरा इसका इतिवृत्त है। काल का विशाल रूप इतिहास के उदर में समाहित है, इसीलिए वह जो इतिहास पुरुष है वो महोदर है, बड़े पेट वाला है, उदर वाला है। यह जो उदर है यह काल है। कितनी सृष्टियां, कितनी सर्जनाएं, कितने लोक परलोक, कितने ब्रह्मांड समाये हुए हैं इस बराह मुख इतिहास पुरुष के उस विशाल उदर में। और आगे कहते हैं कि कुशाभास जो पृथ्वी का रंग रूप है, जो धरती माता का स्वरूप है, जो सुकुशाग्रता है, उसका जो स्वभाव है वो सबसे बनता है। इसीलिए पृथ्वी का संपूर्ण जो इतिहास है वह कुशाभास के साथ, उस इतिहास पुरुष के साथ में है। आगे कहते हैं कि इतिहास पुरुष के हाथों में अक्षर सूत्र है और एक हाथ में घट है। ये क्या है मित्रों? जो अक्षर सूत्र है वास्तव में गणना का है। विशाल उदर में समाहित
संपूर्ण ब्रह्मांड सृष्टियां उनकी अनंत काल रणाओं को इतिहास पुरुष अपने हाथों में लिए हुए हैं और वो कह रहे हैं कि एक एक जो उसका सूत्र है, एक एक जो उसकी माला का एक एक भाग है, मोती है, जिसको हम कहते हैं कि शिव की आंखें हैं, महाकाल की आंखें हैं, और उन आंखों से उनकी गणना की जाती है, संख्या का निर्देश होता है। और जो घट है मित्रों, वह ज्ञानामृत है, यही उसका उद्देश्य है। इतिहास पुरुष का भी उद्देश्य यही है, सृष्टि का भी उद्देश्य यही है, इतिहास का भी उद्देश्य यही है कि उस घटना से, उस घट से जो अमृत घट है, उससे वह पूरे सृष्टि को, जगत को अमृत पान कराए। ऐसी स्थिति में वह कमलासीन है, कमल स्वयं त्रैलोक का सूचक है। जितना भाग उसका ऊपर है जल के ऊपर, उतना भाग उसका जल के भीतर है, और उतना ही भाग उसका पृथ्वी के नीचे है, पंख के नीचे है, कीचड़ के नीचे है, इसीलिए वह पंकजान्वित है। ऐसे इतिहास पुरुष को नमन करते हुए आज के इस विषय प्राचीन भारतीय परिप्रेक्ष्य में भारतीय कालगणना और पंचांग को लेकर के यह विमर्श का अवसर मिला है। मैं पर सौभाग्य मानता हूं कि महाविद्यालय परिवार ने एक जटिल विषय को, उपयोगी विषय को, नितांत सार्थक विषय को आज के इस अवसर पर विमर्श के लिए रखा है। जो मेरा अल्प ज्ञान है, इसके आधार पर मैं उस महापुरुष को, काल पुरुष को देखने का प्रयास करूंगा और आपके सामने उसका दर्शन कराऊंगा। मित्रों, हम सब जानते हैं कि हमारा जो भारतीय इतिहास है वो चतुरायामी है, उसके चार घटक हैं, देश, काल, घटना और प्रभाव। उसी देश काल को वैज्ञानिक भाषा में टाइम एंड स्पेस कहते हैं। जो प्रघटना है, घटना है, विशिष्ट घटनाएं हैं, वे इवेंट्स हैं, और जो प्रभाव है उसका, जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सब पूरे जीवन में जिसका प्रभाव दिखाई देता है, जिससे पूरी धारा मुड़ जाती है इतिहास की, वो वास्तव में प्रभाव है। इतिहास इन चारों रूपों में दिखाई देता है, ये भारतीय अवधारणा है। निश्चित रूप से हम सब जानते हैं कि जिस जब से इस देश में बाह्य सत्ताएं आई हैं, इन सभी भारतीय चिंतन बिंदुओं पर एक सुनियोजित षड्यंत्र के रूप में भ्रम फैलाया गया है। जहां तक देश की बात है मित्रों, भारत के बारे में भ्रम फैलाया गया, भारत इंडिया हो गया। अभी तक हम भारत को भारत के रूप में दुनिया के सामने स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। अब प्रयास हो रहा है, दुनिया भारत की ओर देख रही है। ऐसे ही काल है, जो हमारा काल मान था, जो हमारी काल गणना थी, जो दीर्घतम काल गणना थी, उसको हमारे यहाँ बहुत सीमित कर दिया गया, संकुचित कर दिया गया, और इतना संकुचित कर दिया गया कि सिकंदर के भारतीय अभियान से, के बाद के इतिहास से लोगों ने इतिहास मानना शुरू किया। 325 ईसा पूर्व से मानो भारत का इतिहास शुरू होता है। आज ही विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में 600 ईसा पूर्व से भारत का इतिहास पढ़ाया जाता है। उसके पहले के इतिहास को हम सब देखते हैं कि प्रोटो हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री कह करके उसको आदिम अवस्था में ले जाते हैं, आखेटक अवस्था, हंटिंग फूड गैदरिंग की अवस्था, वो कहते हैं उसके क्रम से आगे बढ़ा। ये सारी अवधारणाएं पश्चिम की हैं, इसलिए इनसे निकलना होगा, उबरना होगा हमें, और इस उबरने के क्रम में
हमें कई बातों की ओर ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि बड़ी चुनौती हमारे सामने आ जाएगी। महाप्रताप महाविद्यालय एक उच्च अध्ययन संस्थान है, इसमें शोध की भी बड़ी गुंजाइश है। श्री गोरक्षपीठ का प्रकल्प होने के नाते इसके पीछे आध्यात्मिक शक्ति है, आध्यात्मिक ऊर्जा है। नाथपंथी योगियों की साधना का फल इसको मिलने वाला है, संभवतः इसीलिए ऐसे सारे विषय पहली बार उभरे हैं। मैं देख रहा था मित्रों, इस देश में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उसकी सूची में जो सूची आई है विश्वविद्यालयों की, महाविद्यालयों की बात नहीं कर रहा हूं, 49 केंद्र विश्वविद्यालय, 411 राज्य विश्वविद्यालय, 123 डीम्ड यूनिवर्सिटी और 282 प्राइवेट यूनिवर्सिटी इस देश में है, 865 संख्या हो जाती है। कुछ फेक यूनिवर्सिटीज की सूची भी आई है 24 की, उसको निकाल भी देंगे तो भी संख्या बहुत बड़ी है मित्रों। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि किसी विश्वविद्यालय में अभी आज तक इसकी चिंता नहीं हुई कि हमारी कालगणना हमारे पाठ्यक्रम में आवे। हमारी कालगणना विसंगतिपूर्ण है, उसे हमारी पीढ़ियों को जानना चाहिए, यह विषय कभी नहीं आता। सारी जो मेधा है, विद्वत मंडली है, वह पाश्चात्य दृष्टिकोण से उतनी प्रभावित है। श्रद्धेय गुरुदेव शिवाय सिंह जी कह रहे थे कि हमारा जो ह्यूमन साइके है, हमारा जो हमारी जो चित्त है वही बदली हुई है। इसलिए मैं बधाइयां देता हूं बार बार इस महाविद्यालय को। इस महाविद्यालय ने वह काम किया है जो देश के विश्वविद्यालय भी काम नहीं कर पाए हैं। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा महाविद्यालय परिवार से, प्रबंधन समिति से, कि एक मोहि विष्का भी छेड़े कि हमारी प्राचीन भारतीय कालगणना को हमारे पाठ्यक्रमों का अंग बनाया जाए, रिवाइव किया जाए, तो भारत रिवाइव होगा। मित्रों, इसके पीछे, इस कालगणना के पीछे आप सब जानते हैं एक बड़ा षड्यंत्र हुआ है, और जिस प्रकार से आपने देखा है कि 492 वर्षों के लंबी प्रतीक्षा के बाद जिस नक्षत्र में, जिस शुभ मुहूर्त में इतिहास ने नई धारा बदली है, नई करवट ली है, पूरे विश्व इतिहास में भारत एक नए फलक पर सामने आया है 5 अगस्त 2020 को, वह अभिजीत नक्षत्र बहुत दुर्लभ है मित्रों। भारतीय कालगणना का वह बहुत ही सुंदर मनोरम पक्ष है, चर्चा करेंगे हम लोग उस पर। इसी तरह से एक और पक्ष भी है जो हम सबको जानना चाहिए मित्रों। आज हम लोग जिस कालगणना का प्रयोग करते हैं वह ईस्वी संवत की कालगणना है। ईसा पूर्व ईस्वी में हमारा सारे इतिहास आरोपित है, और इस आरोपण में जो तथ्य है वो हमको जानना चाहिए कि हमारी वर्तमान स्थिति हमारी क्या है, कितनी अशुद्ध है, कितनी अवैज्ञानिक है, कितनी अप्रमाणिक है और कितनी त्याज्य है, और इसके सापेक्ष हमारी जो प्राचीन भारतीय कालगणना है, हमारी जो पारंपरिक कालगणना है वो कितनी वैज्ञानिक है, कितनी शुद्ध है, कितने जीवन को मोक्ष प्रदान करने वाली है, हमारे अमरत्व को देने वाली है, जगत कल्याण करने वाली है, क्योंकि वह कालगणना काल की है, महाकाल की है, आदिदेव की है, गोरक्षनाथाय नमः शिवाय की है। और ऐसे पवित्र कालगणना के आधार को छोड़ करके हम सब ने कालगणना ली है, इसकी स्थिति स्पष्ट कर लें, फिर हम अपने पूरे विषय पर आएंगे कि कैसी स्थिति है आज। मित्रों, हम सब जानते हैं कि वर्तमान जो कालगणना हमारे सामने है
पूरे इतिहास को देखने की, पूरी दुनिया जिसका पालन कर रही है वो कितनी अवैज्ञानिक है, अशुद्ध है। हम सब जानते हैं कि इसके केंद्र में ईसा मसीह है, ईसाई धर्म के गुरु, और माना जाता है कि ईसा मसीह की मृत्यु से गणना प्रारंभ होती है। लेकिन बड़ा दुखद है, अभी तक दुनिया यह नहीं कह पाई है कि ईसा मसीह की मृत्यु कब हुई थी। सारी परंपराएं अन्वेषण में लगी हुई हैं, और ये इससे मालूम होता है कि यह धारणा बड़ी काल्पनिक है। और जब इतिहास में जाते हैं इस मिशन की कालगणना को ध्यान में आता है, इसका मूल तो रोमन संबत है, जो ईसा पूर्व 753 में रोम नगर की प्रतिष्ठा से आरंभ हुआ था। तो 753 वर्ष ईसा पूर्व और 2020 जोड़ लीजिए आप, तो 2795 वर्ष पूर्व की जो घटना है, यहां से इसको उठाते हैं, क्योंकि रोमनों को संबत नहीं था। रोमन संबत पहले 304 दिनों का होता था, वह भी अशुद्ध था। मार्च से दिसंबर तक पास होते थे। जो अंग्रेजी का यक्ष है उसको 10 पढ़ा जाता है, यानी कि 10वां महीना है वो। धीरे धीरे इसमें अंतर आने लगा। इस अंतर को ठीक करने के लिए मित्रों 46 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर ने 455 दिनों का एक वर्ष मान लिया, और आगे 365 वर्षों का बना दिया उसको। साथ ही अपने नाम से एक महीना जोड़ दिया जिसको हम जुलाई कहते हैं, जुलाई जूलियस सीजर ने जोड़ा। और बाद में रोमन जो सम्राट अगस्तस है उसके नाम पर भी अगस्त महीना पड़ा। हम आजकल उसी महीने में चल रहे हैं, ये अनुष्ठान उसी में हो रहा है। हमें इसकी पूरी स्मृति को ध्यान रखना चाहिए, इसकी अवैज्ञानिकता है। कोई ऐसी तिथि नहीं है भारतीय परंपरा में जो किसी राजा मानी। आगे चलकर के मित्रों रोमन संबत 12 महीने का हो गया, क्योंकि 2 महीना राजाओं के नाम पर जुड़ गए, 10 पहले से थे, तो 365 वर्षों का बना। फिर भी इसमें अंतर आने लगा। और मित्रों आज के इस अवसर पर आप सबके सामने मैं कहना चाहूंगा, 1528 ईस्वी में अयोध्या में घटना घटी थी, बाबर के आदेश से मेरी बाकी ने श्री राम जन्मभूमि के स्थान पर मंदिर मस्जिद बनाया था। 1582 ईस्वी में आज से 432 वर्ष पूर्व एक और घटना घटी थी, उसके केंद्र में ईसाइयत था, ईसा मसीह की साम्राज्यवादी वह भावना थी उनके पालकों की। उन्होंने जो संबत चलाया उसमें 11 दिन का अंतर हो गया, और ईसाइयों के धर्मगुरु पोप ग्रेगरी ने अपनी आज्ञा से 4 अक्टूबर को 15 अक्टूबर बना दिया, 11 दिन का उनको अंतर करना था। और आगे चलकर आदेश दिया कि 4 और 400 से विभाजित होने वाले वर्षों में फरवरी 29 दिन की होगी, और जो विभाजित नहीं होगा तो फरवरी 28 दिन की। तो इसी ईसाई कालगणना में एक माह फरवरी ऐसा भी है जो विसंगत पूर्ण है, कभी 28 का कभी 29 का। और आगे कहते हैं इसी को कहा गया ग्रेगरियन कैलेंडर कहा गया, और यही दुनिया में जहां जहां ईसाइयत का विकास हुआ वहां यही गणना चल रही है। और इसकी विसंगत है मित्रों कि इसकी अवैज्ञानिकता के आपने देखा ही, जनवरी से फरवरी तक जोड़ेंगे आप, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ये जो तिथियां हैं जो महीने हैं इनका नामकरण रखा गया रोमन देवताओं के आधार पर। जुलाई अगस्त देखा आपने, जैसे कि जूलियस सीजर अगस्तस के नाम पर रखा गया। सितंबर से दिसंबर तक का जो रोमन संबत है वह रोमन महीनों के आधार पर रखा गया।
इस प्रकार से इसकी विसंगत सबके सामने आई, और इस विसंगत के नाते आज भी हम भारत के प्रामाणिक इतिहास को नहीं लिख पा रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में यही संबंध चल रहा है, और इस विसंगतपूर्ण कालमान के आधार पर आज यह विचार आवश्यक हो गया है कि 1582 ईस्वी में जो ग्रेगरी पोप ने जो फरमान जारी किया था और जिसके आधार पर ग्रेगरी कैलेंडर बनाया गया, वो भारतीय इतिहास के लिए उपयुक्त नहीं है, वो विश्व इतिहास के लिए भी उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वह अवैज्ञानिक है। तमाम चीजों को जोड़ करके नित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया गया है, और ऐसी स्थिति में हमारा ध्यान जाता है भारत की ओर, जो हम देखते हैं अपने देश को, अपने भारत को, दुनिया को देखते हैं, जगत को देखते हैं। तो यह कहने की आवश्यकता नहीं है, आज संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था यूनेस्को ने जो विश्व धरोहरों की सूची बनाई है, उसमें स्पष्ट हो गया है कि दुनिया सर मान रही है कि विश्व का सबसे प्राचीनतम जो ग्रंथ है भारत के पास है, भारतीय ऋषियों ने की अंतर्दृष्टि का परिणाम है, वो उनकी सृजना है, वो ऋग्वेद विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है, और भारत ही अभी तक जो स्थिति बनी है, उस स्थिति में यह सिद्ध होने वाला है कि मानव की आद निवास स्थान भारत ही है, क्योंकि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका को हमारे अर्ली मैन का सबसे बड़ा सेंटर माना जाता है, और यहीं से दुनिया के देशों में प्रसार हुआ। जो बीएमएसी की अवधारणा है, बैक्टीरिया मार्जना अटल कम्प्लेक्स की अवधारणा है, वह धीरे समाप्त हो जाएगी, और इस बड़े फलक पर हम जब विचार करेंगे तो इस वर्तमान विश्व में चल रही प्रचलित जो नितांत अवैज्ञानिक कालमान है, कालगणना है, इससे इतिहास का ज्ञान नहीं हो सकता है, क्योंकि पूरे इतिहास को सीमित कर देती है, क्योंकि उसकी दृष्टि गलत है। तो देश, काल और घटना, हमारे यहां जो घटनाओं का क्रम है वो विशिष्ट है, वो सारी घटनाएं जो समाज जीवन में परिवर्तन लाती हैं, तो देश समाज के जीवन में नया आलोक पैदा करती हैं, ऐसी घटनाओं का हमने इतिहास में लिया है। रोजमर्रा की घटनाओं का हम लेखन नहीं करते हैं। हमारी जो इतिहास की अवधारणा है वह हेरोडोटस की हिस्ट्रीज की अवधारणा नहीं है, वो हिज स्टोरी नहीं है, ये वास्तव में धर्मार्थ का, मोक्ष का लेखन है, कथावृत्त पूर्ववृत्त का लेखन है, वंशानुचरितों का लेखन है, क्योंकि इतिहास अमृत है, जगत कल्याणकारी है, सत्य परक है। इस बड़े भाव के साथ जब हम भारतीय इतिहास को देखेंगे, आज सबसे प्राचीन भारतीय इतिहास को, तो प्राचीन भारतीय कालगणना का पक्ष हमारे सामने आएगा। घटना के बाद प्रभाव की बात आती है, आप सब जानते हैं कि कैसे घटनाओं का क्रम कैसे मनुष्य के जीवन को, कैसे जगत को बदल देता है। आज जो COVID-19 है, जो वैश्विक महामारी है, यह महामारी दुनिया को ये समझाने में सफल रही है कि हे मनुष्यों, प्रकृति की ओर देखो, सृष्टि की ओर देखो, उस नियंता की ओर देखो जिस नियंता ने पूरी सृष्टि का निर्माण किया। तुम्हारा भ्रम, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा प्रभुत्व, वह इस ऐसी दशा में किसी काम नहीं आने वाला है, और यह सबसे बड़ा फलक है मित्रों। इस बड़े फलक पर हम आज इस संगोष्ठी कर रहे हैं। यहां हम नमन करना चाहते हैं महाकाल को। हम सब जानते हैं कि रुद्राष्टकम में प्रत्येक भारतीय, चाहे भारत में रह रहा हो चाहे भारत के बाहर रह रहा हो, वो प्रतिवर्ष
दिनचर्या का शुभारंभ उसी से करता है। करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतु। उस महाकाल को जो महाकाल उज्जैनी में स्थित है, भारत के प्रत्येक गांव में काल है और काली है, ऐसे देश में जहां कण कण शिवत्व के साथ है, कल्याण के साथ है, काल का बोधक है, ऐसे उस काल के विषय को महाकाल के साथ संबद्ध करना चाहिए और तब जाकर भारतीय काल गणना की जो मूल अवधारणा हमारे समझ में आएगी। यहां हम एक बात और कहना चाहते हैं आप सबके सामने कि शिवाष्टकम में हम सब स्तोत्र याद करते हैं तो कहते हैं कि आदि अनादि अनंत अखंड अभेद सुभेद बतावे अलख अगोचर रूप महेश को जोगी जति मुनि ध्यान न पावे। ऐसा वो महाकाल जो अनादि है, अनंत है, अखंड है, अभेद है, योगी लोग भी उसको अपनी साधना से जान नहीं पाते हैं, ऐसी अवधारणा भारत में काल की है, महाकाल की है। और इस काल महाकाल को इस ईसाई प्रभुत्व ने 432 वर्ष पहले से जैसे मानो हमसे छीन लिया था, आज पूरा समय है उसको रिवाइव करने का, पुनर्स्थापित करने का। श्री गोरक्षपीठ की यह तापस भूमि पूरे जगत को यह संदेश देगी आज की संगोष्ठी के माध्यम से कि हे दुनिया के लोगों, महाकाल के क्षण में आओ, भारतीय काल गणना की ओर देखो। जिस काल गणना के संबंध में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रथम प्रचारक स्वर्गीय उमाकांत केशव आप्टे जी, जिनको हम सब बाबा साहब आप्टे कहते हैं श्रद्धा के साथ, अपने 40 वर्षों के प्रवास में घूमते घूमते बड़े अच्छे पाठक थे, वो हजार से अधिक पुस्तकों का उन्होंने पाठ किया था। उनको लगा था कि हमारी पीढ़ियों के सामने प्रामाणिक इतिहास नहीं। संघ संस्थापक परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार के संपर्क में आने के बाद अपना सारा जीवन और सारा चिंतन मन उन्होंने इतिहास के माध्यम से देश को समर्पित किया था। इसीलिए 1980 से लेकर के लगातार इस देश में जो भारतीय काल गणना का जो प्राचीन भारतीय स्वरूप है, इसको लेकर काम करने की संकल्प लिया गया। स्वर्गीय मोरोपंत पिंगले जी के माध्यम से 1980 से काम चल रहा है और पूरे देश में यह वातावरण बना है। महाराणा महाविद्या जगन भूषण भी साक्षी रहा है, उसने भी संगोष्ठियां कराई थी और इस विषय को उसने नई पीढ़ियों के सामने रखा था। और ऐसी स्थिति में जो प्रकल्प है, जो संकल्प हमारा है, यह संकल्प हमारा आगे बढ़े, इस पृष्ठभूमि के साथ भारतीय काल गणना के बड़े फलक को देखने की आवश्यकता है। अब प्रश्न आता है कि यह काल गणना है क्या? काल महाकाल के संबंध में चर्चा आगे होगी, लेकिन काल गणना का जो विषय है यह इतिहास का विषय है, ज्योतिष शास्त्र का विषय है, खगोल ज्योतिष का विषय है। तो चूंकि यह फलक इतिहास के अध्येताओं का है, प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृत तत्व के अध्येताओं का है, इसलिए मित्रों मैं यहां इतिहास का फलक ही रखूंगा। ज्योतिष और खगोल ज्योतिष का पक्ष कभी बाद के अवसरों पर रखा जाएगा। आज इतिहास के फलक जब हम बात करते हैं तो हमको ध्यान में जाता है कि कालगणना प्रत्येक समाज के सभ्यता संस्कृति की संवाहिका है। अगर हम किसी कालखंड के सभ्यता संस्कृति का अध्ययन करना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा कि चतुर आयामी है इतिहास, तो घटना कहाँ घटी, घटना कब घटी, सभ्यता संस्कृति में मानव ने कैसे कैसे विकास किया, विभिन्न युगों का उसका क्रम क्या था, इसका कालबोध आवश्यक है। चाहे वो घटनाएं गौरवपूर्ण हो चाहे गौरवहीन हो, काल के से ही साथ उनका लिखा जोखा हो सकता है। ऐसे फलक पर
हम सब स्पष्ट कह सकते हैं कि इन सारी घटनाओं का एक संचित रूप है। इसलिए इतिहास इस कोष की कोठरी है और उस कोठरी को खोलने का एक ही माध्यम है, काल कालगणना। जिसके पास विशुद्ध कालगणना होगी, कालगणना रूपी चाबी होगी, वही उसको खोल के प्रवेश कर सकता है, क्योंकि काल के पास ज्योति है, महाकाल ज्योतिर्लिंग है, काल प्रकाश है, काल गति है, काल ज्ञान है, काल बोधक है, काल विद्या है, और काल ही संपूर्ण जगत का आभास कराने वाला वो बड़ा तत्व है। इसलिए इस दृष्टिकोण को सामने रख करके जब हम इतिहास के फलक से काल की बात करेंगे तो काल का महत्व समझ में आएगा, जो 1582 के ईसाइयत के प्रयासों का के नाते धूमिल हुआ था, हमारी पीढ़ियां भी नहीं जान पाती हूं। अब प्रश्न आता है कि यह जो काल घटना है, यह जो भारतीय कालगणना है, प्राचीन भारतीय कालगणना है, इसका शुभारंभ कहां से होगा? जो वर्तमान हमारी यूरोपीय अध्ययन पद्धतियां हैं, जिन्होंने हमें ईसा पूर्व ईस्वी और इतना ही नहीं तो प्राग इतिहास, पूरा इतिहास, आखिर तक युग, खाद्य संग्रह का युग, कृषि का युग, ऐसे युगों में बांट दिया है, वास्तव में हमारा भारतीय इतिहास ऐसा नहीं है, क्योंकि काल उसका साक्षी है। हमारा काल कहता है, जो वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है, मैं आज के इस अवसर पर मैं याद करूंगा, नमन करूंगा श्रद्धेय पद्मश्री डॉक्टर विश्वक्षेत्र वाकणकर जी। उज्जैन के निवासी थे, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में पतत विभाग के वो मुखिया थे और बड़े खोजी थे। भारत सरकार उनको पद्मश्री की उपाधि से नवाजा था। उन्होंने अपने एक पुस्तक के भूमिका में लिखा है कि सबसे बड़ी समस्या है कालगणना कब शुरू हुई। हमारी नई पीढ़ी भी जानना चाहती है, जब हम अध्यापन करते हैं तो बताना हमारा फर्ज बनता है, किंतु निश्चित करना बड़ा कठिन है। जैसे हम आज पूछें अपने आप से कि सृष्टि कब से चल रही है, तो किसी पुस्तक में उसका उत्तर आपको नहीं मिलेगा, कोई व्यक्ति भी नहीं मिलेगा जो इसको बता सके। ऐसी स्थिति में लोगों ने जो अध्ययन किया है शैलाश्रयों का, श्रद्धेय वाकणकर जी भीमबेटका शैलाश्रय के नाते जाने जाते हैं, उसकी डिस्कवरी उन्होंने किया था। उन्होंने उस शैलाश्रय में महावृषभ, महासूर्य और जो तमाम मानवाकृतियां देखी थी, उन मानवाकृतियों के आधार पर जिसमें गोले बने हुए थे, उनको लगा था कि कहीं कहीं ये आकाश का दृश्य है, तारों का दृश्य है, आकाशगंगा का दृश्य है। वो बड़े वेदों के अभ्यासक थे, क्योंकि वो जैनी बड़ा अमीर का क्षेत्र है, गृह संहिता और सारे सूर्य सिद्धांत उनके ग्रंथों को हम सब जानते हैं, उनके परिवार में जो उसका अभ्यास होता था, तो उनको इसका आभास भी था। उन्होंने यह मत दिया है कि प्रीहिस्टोरिक जो रॉक शेल्टर्स हैं, शैलाश्रय हैं, बाद में जब वो अमेरिका गए, यूरोप गए, तो उन्होंने इटली के भी शैलाश्रयों को भी देखा, अमेरिकी शैलाश्रयों का भी उन्होंने अध्ययन किया था, उसका भी संदर्भ देते हैं और कहते हैं कि निश्चित रूप से जो हमारा प्रीहिस्टोरिक मैन है, हमारे जो पूर्वज है, उसको इसका ज्ञान था, क्योंकि उसका सारा जीवन जो है उसी आकाशस्थ तारिकाओं से ही चलता था। इसलिए वो कहते हैं कि जब वेदों की रचना शुरू हुई तो वैदिक काल के बहुत पहले से ज्योतिष का ज्ञान रहा होगा, तारों का ज्ञान रहा होगा, क्योंकि तो मनुष्य उसको देख रहा था, प्रकृति को देख रहा था, वातावरण बहुत अच्छा था, इस अर्थ प्रकृति को समझने का उसके पास अच्छा अवसर था। ऐसे अवसरों पर डॉक्टर वाकणकर कहते हैं कि जब यज्ञ संस्था का प्रारंभ हुआ, जब सामूहिक जीवन की परंपरा शुरू हुई, जब सारी ब्रह्मांडीय शक्तियों को
एक यज्ञ माध्यम से जोड़ने की बात आई मनुष्य से, यजुर्वेद की रचना हुई। तो उनका कहना यह है कि निश्चित रूप से यजुर्वेद का जो निर्माण हुआ और उसके बाद जो वेदांग आए, शिक्षा कल व्याकरण निरूप छंद और ज्योतिष आया, तो ज्योतिष की जो नई जो कल का निर्माण हुआ, नया जो वेदांग बना, वास्तव में यज्ञ संस्था के लिए था। इसीलिए निश्चित रूप से कालगणना का प्रारंभ है, ज्योतिर्गणना का प्रारंभ है, हमें वैदिक काल से पहले का मानना चाहिए। श्रद्धेय वाकणकर जी मानते हैं कि जो श्रद्धेय गुरुदेव शिवाय सिंह जो कह रहे थे कि सरस्वती सिंधु सभ्यता, जिसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से विद्यार्थी जानते हैं, आज बदल गई है। मार्क्सवादी साहित्यकार श्रद्धेय रामविलास शर्मा जी सदैव अपने पुस्तकों में उसको सरस्वत सभ्यता कहते हैं। ऐसी सरस्वत सभ्यता के बारे में हम सबको मालूम है कि वह ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है, वह कांस्य युगीन सभ्यता है। श्रद्धेय वाकणकर जी निश्चित रूप से हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, सुरकुटड़ा, कालीबंगा, गंगवाड़ा, कायथा, यहाँ की तमाम सारी जो समर्पाषाणिक बस्तियां हैं, इन बस्तियों के आधार पर बांध के चलते हैं कि भारत में जो कालगणना का प्रारंभ है वो प्राग वैदिक तो है ही, और उससे बहुत पहले जो कांस्य युगीन सभ्यताएं थी, जो समर्पाषाणिक सभ्यताएं थी, इनके कालखंडों में भी हमें उसको स्वरूप देखने को मिल जाते हैं। इसलिए इस बड़े फलक पर बात करने के लिए हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। धीरे धीरे सारी अवधारणाएं जो प्राग इतिहास की है, पुरा इतिहास की है, जो कपाल सेफालिक इंडेक्स की है, ईसापूर्व विश्वी की बदल जाएंगी। उस समय आ गया है, भारत को उस दिशा में कार्य करना है, भारतीय इतिहासकारों को संकल्प लेकर काम करना है। इसलिए हमने इन फलकों को भी आपके सामने रखा है, इसे कालगणना को जानने के लिए इनका ध्यान आवश्यक है। अब हम आते हैं प्राचीन भारतीय कालगणना की ओर। यहां यह कहना आवश्यक है कि जो भारतीय कालगणना है वह विश्व प्राचीनतम है और भारतीय ऋषियों ने उसका आविष्कार किया था। यहां हम यह भी कहना चाहते हैं कि विश्व के सभी देशों ने अपने अपने उपयोग के लिए कालगणनाओं का उन्होंने खोज किया है, लेकिन वह अल्पकालिक है, देशज है, स्थानीय है, उनका सार्वभौमिक महत्व तो नहीं है। जबकि जो भारतीय कालगणना है वह वैश्विक है, संपूर्ण ब्रह्मांड की कालगणना है और इसलिए सबको लेके चलती है। यह जो काल है मित्रों, एक काल का स्वरूप क्या है? काल शब्द संस्कृत का शब्द है, वैदिक संस्कृत का शब्द है, लौकिक संस्कृत में भी आता है और कहते हैं कल संख्या ने, कल यानी गणना के अर्थ में, जो गिनती करने वाला है और जो हमारे पूरे अतीत की, भूत की, भविष्य की, वर्तमान की सबकी गिनती कर सके, लोक परलोक की गिनती कर सके, ब्रह्मांड की गिनती कर सके, सारे ग्रहों के गतियों गिनती कर सके, सारे मासों गिनती कर सके, इसलिए हमने इसको काल कहा है। और दार्शनिक पृष्ठभूमि में हमारे दर्शन शास्त्रियों ने तो और बड़ा काम किया, यहां तक काम किया, जैसा मैं भी आपसे कह रहा था कि कालम महाकाल कालम कृपालम मनोभूत कोटि प्रभाषी शरीरम। ये जो महाकाल है, ये जो काल है भारतीय, ये परमेश्वर का रूप है, महादेव का रूप है, जगत को आलोकित करने वाला है। लेकिन ऐसा क्या हो गया मित्रों कि उज्जैनी महाकाल मंदिर की स्थापना करनी पड़ी? आप सबको ध्यान में होगा, उज्जैनी का इतिहास पढ़ेंगे, इस संदर्भ को भी यहाँ पर हमको जान लेना चाहिए, क्योंकि तो प्रश्न आता है कि कोई और भी नाम हो सकता था उस शिवायतन का, लेकिन महाकाल क्यों कहा? वास्तव में जो वराहमिहिर की वीर संहिता है वो तो बताती है, अर्भटियम का जो सारा ग्रंथ है बताता है कि विश्व की कालगणना का
केंद्र है उज्जैनी, उज्जैनी का वो महाकाल मंदिर, इसलिए विश्व की काल की नाभ भी है वो। इसलिए ज्योतिषियों ने अपनी कालगणना वहीं शुरू किया। आपको ध्यान में होगा कि अंग्रेजों के आने के पहले पूरे ब्रह्मांड में जैसा अंग्रेजों ने प्रयोग किया, एक ग्रीनविच लाइन की बात किया, एक ग्रीनविच रेखा है जो गुजरती है, पहले भारत से गुजरती थी, जम्मू कश्मीर होते हुए, काशी होते हुए, उज्जैनी होते हुए वत्सगुल्म जाती थी और एक रेखा बनती थी। इसलिए आप देखे होंगे कि सभी जगह पर वेदशालाएं हैं, दिल्ली में जंतर मंतर है, जम्मू में वेदशाला है, काशी में वेदशाला है, उज्जैनी की वेदशाला है, वत्सगुल्म की वेदशाला है, बाद में जयपुर के महाराज सवाई जय सिंह ने जयपुर वेदशाला बनाई। ये सारी वेदशालाएं भारतीय कागणना की प्रयोगशाला है, कोई दुनिया में इसकी सानी नहीं। और इसीलिए इस बात को हमको बड़े गर्व होता है हमको ये कहने में, उज्जैनी का जो पंचांग है सबसे श्रेष्ठतम है, उसकी कालगणना शुद्ध है। इसीलिए इतिहास संकलन योजना ने भी उस पर काम किया और काम करने के बाद ये जानना चाहा इसकी सच्चाई क्या है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि महाकाल मंदिर में भी एक दूसरा मंदिर है तकराजेश्वर का, अर्थात शून्य रेखांश और कर्क वृत्त का मिलन होता था, इसीलिए ज्योतिषी उस स्थान को बहुत शुद्ध मानते थे। पूरे ब्रह्मांड की कालगणना के लिए वह सबसे अच्छा केंद्र था। आजकल वह उज्जैनी से 25 किलोमीटर दूर एक कितिया नामक गांव के आसपास है, जहां बड़ी वेदशाला बन रही है, और मुझे विश्वास है कि इसके पूरा रिवाइवल से पूरी दुनिया के सामने हम पूरी सही भारतीय कालगणना को हम आगे रख पाएंगे। और इस पूरे पृष्ठभूमि में यहाँ यह बात और भी मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि यह नहीं भूलना चाहिए कि 15वीं शताब्दी ईस्वी के पहले दुनिया का इतिहास बताता है कि भारतीय कालगणना में जो भारत सबसे श्रेष्ठतम था। ऐसा क्यों था मित्रों? क्योंकि 1500 ईस्वी के बाद कोपरनिकस, गैलीलियो, न्यूटन और बाद में आइंस्टीन वगैरह ने बड़ा काम किया, बड़ा रुचि लिया उन्होंने पूरे ब्रह्मांड के अध्ययन में। उसका परिणाम यह हुआ कि उनको मालूम होगा कि भारत में एक बड़ी प्राचीन गणना है। 1500 ईस्वी के बाद से सारा जो भारतीय ज्ञान है वो ले गए और ले जाकर उन्होंने उसका अभ्यास किया। आज स्थिति यह है कि उनके अभ्यास के नाते उनके देशों में भी इसका वैज्ञानिकों ने काफी काम किया। यह मैं उद्धृत करना चाहूंगा स्टीफन हॉकिंस को। स्टीफन हॉकिंस ने ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम लिखा है, आप सब जानते हैं, विश्व की अनेक भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ, 20 बड़े पुरस्कार अवार्ड दुनिया के खास करके उस ब्रिटानी वैज्ञानिक को मिले। और आपको ध्यान में है कि अभी 2 वर्ष पहले 14 मार्च 2018 को उसकी मृत्यु हुई, पूरा शरीर लकवाग्रस्त था। और उसने अपने पुस्तक में दावा किया था कि जो उसकी ब्रह्मांड की खोज है, जो ब्लैक होल और बिग बैंग की थ्योरी है, दुनिया को उस पर गर्व था। लेकिन बाद में उसने अनुभव किया कि मेरी खोज ये पूर्ण नहीं है। उसने लिखा है बाद में अपने अनेक लेखों के माध्यम से, पहले मुझे विश्वास था कि जो ब्लैक होल है, थ्योरी है, वो ऐसा सिद्धांत है जहां से दुनिया की कोई विकिरण नहीं जा सकती है। उस ब्लैक होल को उन्होंने लास्ट फेज बना था, अंतिम स्थिति मानी थी। लेकिन आज स्थिति क्या है? स्टीफन हॉकिंस ने स्वयं कहा है कि मैं गलत था, क्योंकि विजडम और इंफॉर्मेशन, ये दो चीजें ऐसी हैं ब्लैक होल को पार कर सकती है। तो स्टीफन हॉकिंस भी अपने
ब्रह्मांडीय विज्ञान के अनुसंधान को, जिस पर बहुत सारा उसने काम किया, दिन भर काम किया, वो अभी मानता अंत में कि मैं गलत था, भारत सही था। इसी पर हॉकिंस का एक मित्र है और रोजर पिंड्रो ने, उसने भी आगे काम किया, उसकी पुस्तक है द इम्प्रेस माइंड, द साइड ऑफ माइंड, उस पर उन्होंने बहुत काम किया है। उसने कहा कि वास्तव में ये संपूर्ण ब्रह्मांडीय सत्ता का केंद्र तो भारत का ऋग्वेद है, नासदी सूक्त है, जिसकी चर्चा हमारे गुरुवर तो शिवाजी सिंह जी ने किया है। तो इन संदर्भों के आधार पर यह स्पष्ट है कि जो पश्चिमी जगत है उसने इस भारतीय कारगणना को महत्व को बाद में समझा, और वो तब समझा जब ईसाइयत का प्रचार उसके महत्वपूर्ण हो गया था, और भारतीय जो मानस है, जो भारतीय चिति है, उसके अनदेखी कर रहा था। यह मुद्रण देना चाहूंगा कि 1988 में स्टीफन हॉकिंस ने अपने सिद्धांत के रूप में ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, समग्र संक्षिप्त इतिहास उसने प्रकाशित किया। उसके 3 वर्ष पहले ही कलकत्ता विश्वविद्यालय के भारतीय जो अध्येता है वासुदेव पोद्दार, उन्होंने एक बड़ा शोध किया था, द कॉस्मिक पैसेज ऑफ टाइम, विश्व की ब्रह्मांड की खोज। उस पूरे ग्रंथ को हिंदी में छापा गया बाद में कि विश्व की काल यात्रा, इतिहास संकलन योजना ने इसको प्रकाशित किया है, आप देख सकते हैं इसको। हम सबके लिए बड़ी उपयोगी पुस्तक है। इस पुस्तक के माध्यम से हमें कह सकते हैं कि स्टीफन हॉकिंस के बहुत पहले भारतीय वैज्ञानिकों ने, विश्वविद्यालयों ने एक कार्य किया था, लेकिन उतना प्रचार नहीं हुआ, हम प्रचार से दूर रहते हैं, इसीलिए संभवतः दुनिया को नहीं मालूम हुआ, अन्यथा वासुदेव पोद्दार को सारे पुरस्कार मिलते, सारा पद मिलता, सारी उपाधियां मिलती, आज दुनिया स्टीफन हॉकिंस की जगह पर पोद्दार जी को याद करती। मित्रों, इस बड़े फलक पर आने के लिए कुछ और बातें भी आगे करनी है आपसे, उनकी ओर हम आगे बढ़ते हैं। इन अवधारणाओं के साथ प्राचीन भारतीय कारगणना की ओर हमको आगे बढ़ना चाहिए। और कहते हैं कि दो बातें बड़ी स्पष्ट है मित्रों, कि कालगणना, भारतीय कालगणना अनंत है, अगोचर है, अत्यंत प्राचीन है, और जो काल है, काल तत्व है, वो भी अदृश्य है, हमें दिखाई नहीं देता है। हम सब काल का अनुभव करते हैं, जैसे हम बीते हुए काल का अनुभव करते हैं, ऐसे हम आने वाले काल का अनुभव करते हैं, ऐसे अतीत का अनुभव करते हैं, भविष्य का अनुभव करते हैं। और बड़ी बात, रोचक बात यहां मित्रों यह है, जो अंग्रेजी का शब्द है टाइम, TIME, जो ओल्ड इंग्लिश है उसमें TIME लिखा जाता है, टिम लिखा जाता है। हमारे जो वैदिक ऋषि हैं उन्होंने माना था कि चराचर जगत की अंतिम सत्ता है काल, तो जो अंतिम सत्ता है उस अंतिम का जो टिम है, TIME है, उसको उन्होंने ले लिया, उसको टाइम मान लिया। वास्तव में टाइम शब्द जो है वो हमारे मूलतः वैदिक शब्द है, अंतिम है, अन का लोप हो जाता है और तिम बचता है, उसी तिम को हम उच्चारण में टाइम कहते हैं, तिमा कहते हैं, तिम कहते हैं। इस तरह से भी आप इसको देख सकते हैं। मैं लंबी चर्चा साहित्य की नहीं करूंगा, क्योंकि काल माधव, काल विवेक जैसे ग्रंथों में बड़ी चर्चा है, सूर्य सिद्धांत, पितामह सिद्धांत, आर्यभट्टीयम, और उसके बाद में भास्कराचार्य के ग्रंथों में बहुत सारी चर्चाएं हैं, उन ग्रंथों को नहीं जाऊंगा। लेकिन एक बात हम आप सबसे कहेंगे कि हम सब भारतीय लोग प्रतिवर्ष माँ भगवती की आराधना करते हैं, मार्कंडेय पुराण का, दुर्गा सप्तशती का जो पाठ करते हैं उसमें एक शब्द आता है, जो उनकी रचना होती है, जो आरती उतारते हैं, हम कहते हैं कि मूल प्रकृति विद्या तू जन्मी जाया, हे माता,
हे जननी तुम मूल प्रकृति हो। ये जो मूल प्रकृति है वास्तव में यही काल है और इसी से काल उत्पन्न होता है। इसीलिए कहा गया है कि पुरुष के जगत की सृष्टि के लिए माया ने काल आदि पांच तत्वों को उत्पन्न किया। अनेक प्रकार की शक्ति वाली मूल प्रकृति सृष्टि के आदि में काल को उत्पन्न करती है। वह काल भविष्य वर्तमान और भूतमय है। चूंकि यह काल जागतिक प्रत्येक वस्तु की गणना करता है इसीलिए इसे काल कहा गया। काल संख्याने के आधार पर नित्य काल परमेश्वर का स्वरूप है, वह हमारी गणना का विषय नहीं है। इसलिए मित्रों जो काल की गणना है, महाकाल की गणना है, जो परमेश्वर की गणना है, अनंत सृष्टियों की गणना है, वो मनुष्य के बस के बाहर है, वह मनुष्य नहीं कर सकता क्योंकि वह उसकी स्मृति के बाहर है, परिधि के बाहर है। तैतरी शाखा के नारायणोपनिषद में यह चर्चा आती है कि विद्युत पुरुष के काल अवयवों से काल की उत्पत्ति हुई थी। काल माधव ने इसका उदाहरण दिया है, कला मुहूर्त काष्ठा आदि सबकी चर्चा आती है। और यहां यह भी चर्चा आती है कि सभी चराचर लोगों का अंत करने वाला एक वास्तविक काल है। यह वास्तविक काल क्या है? अगणनीय है। इससे भिन्न एक व्यवहारिक काल है जो गणना योग्य है। उसके दो भेद हैं, एक स्थूल है एक सूक्ष्म है, अर्थात एक मूर्त है एक अमूर्त है। यह हम कहना चाहते हैं कि श्वास लेने में जितना समय लगता है मनुष्य को, स्वस्थ व्यक्ति को, उसे मूर्त तथा उससे पहले के कालखंडों को मूर्त में लेते हैं और उसके बाद जो छोटे काल हैं उसको अमूर्त कहा गया है, तथा श्वास काल से छोटे तथा काल को त्रुटि कहा जाता है। आगे चर्चा करूंगा कि कमल के पत्ते में सुई से छेद करने का समय लगता है वह सबसे छोटा काल है, छोटा स्वरूप है, असु है। इस तरह से हमारे यहाँ काल के बारे में चर्चाएं आई हैं। तो हम यहाँ पर जो मूर्त काल है जो श्वास लेने के पहले का है और अमूर्त काल है, इन दोनों के अंतरों को उनको जानना चाहिए। जिस प्रकार काल अनादि अनंत है, उसका विस्तार है, सत्ता रूप है मित्र, उसी प्रकार ये आकाश भी, आकाश उतना ही अनंत है। इसीलिए पंच महाभूतों में शिव के पांच रूपों में सद्यो जात वामदेव अघोर ईशान तत्पुरुष की हम बात करते हैं। तो एक तत्व आकाश तत्व है। वह आकाश तत्व भारतीयों ने पहले जान लिया था, इसीलिए शिव के रूप में उसको देखा है, शिव के मस्तक के रूप में देखा है और इसका लेखा जोखा मानना मुश्किल संभव नहीं है। वैज्ञानिक लोग इसको जानना चाहते हैं। प्रत्येक सृष्टि को एक एक ब्रह्मांड के अंतर्गत माना जाता है, कहा था अनेक ब्रह्मांड में और उसका सबका अधिष्ठान सूर्य है। आपको ध्यान दिलाऊंगा कि हमारे यहाँ भारतीय कालमान में आपने देखा होगा कि 12 सूर्य की कल्पना की जाती है। द्वादशादित्य की बात करते हैं, हमारे तीर्थ स्थानों में 12 सूर्य के मंदिर है। काशी में आप जाएंगे लोलार कुंड है, ऐसे तमाम सारे जो रूप हैं शिव के, सूर्य के, उन सब जगह पर लोगों ने मंदिर बनाए हैं। तो 12 सूर्य को तो हमारे शास्त्र कहते हैं लेकिन विज्ञान आज जान नहीं पाया है। आज भी हम एक ही सूर्य को जानते हैं, जो रथारूढ़ है उसको हम जानते हैं, इसके साथ घोड़े हैं उसको हम जानते हैं, और जो सवारी करता है, सात रश्मियां हैं उसको हम जानते हैं। अभी तो दुनिया को, विश्व के वैज्ञानिकों को जानना है 11 सूर्य को जानना है, 11 ब्रह्मांड को जानना है और उस ब्रह्मांड की सृष्टियों को जानना है। इसलिए उस अनंत सृष्टि की बात करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और यह कहना चाहेंगे कि जो सृष्टि का विषय है, जो क्रिएशन का विषय है, वह गूढ़ विषय है, क्योंकि परमात्मा के अनंत शक्तियों से अनंत सृष्टियां उत्पन्न होती हैं। जब यह सृष्टि चलती है, पुरानी हो जाती है, तो नई सृष्टि का जब उदय होता है
तो वो उसमें सृष्टि विलीन कर जाती है। तो पुरानी सृष्टि का विलीनीकरण ये ही जो है वास्तव में प्रलय है। यहां पर हम कहना चाहेंगे कि हमारे जो अध्येता है वो सृष्टि और प्रलय से घबराए नहीं। ये वास्तव में ये चिंतन का विषय है कि प्रलय प्रथम सृष्टि का दूसरी सृष्टि में जो विलोपन है, जो लीन है, जो लयता है, वही प्रलय है। प्रलय कोई बाढ़ नहीं है। और इस तरह से सृष्टि से प्रलय तक का जो काल है उसको कल्प कहते हैं। और एक कल्प तक सृष्टि सुप्त अवस्था में रहती है और पुनः उत्पन्न होती है। ऋग्वेद का अघमर्षण सूत्र मित्रों साक्षी इस बात का। मैं ऋचा पढ़ देता हूं जिससे कि आपको भविष्य में संदर्भ ध्यान में रहे। ऋतम च सत्यम चाभिधात तपसो अध जायत कतो रात्रौ अजायत तथा समुद्रो अड़वह समुद्रार्णवाद अधि संवत्सरो अजायत अहो रात्राणी विदधत विश्वस्य भिषतो वसी सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत दिवम च पृथ्वीम चांतरिक्षयो स्वः। आपने देखा होगा रित सत्य तप रात्रि समुद्र महासागर अर्णव दिन रात्रि अहोरात्रि संपूर्ण जगत सूर्य चंद्रमा धाता विधाता आकाश पृथ्वी ये सब उत्पन्न होते हैं। संक्षिप्त हम कह सकते हैं कि इस काल के अनंत प्रवाह में सृष्टि का अपना चक्र चलता है। लेकिन यह जो वर्तमान चक्र है, वर्तमान जो सृष्टि है, हम उसी की कालगणना कर सकते हैं। हमसे जो पहले सृष्टियां हुई हैं उसको हम नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि 14 मन्वंतर हैं, हम सातवें में चल रहे हैं, 6 पहले हो चुकी हैं, अभी 7 और होनी बाकी हैं। तो जो मन्वंतर युग हैं बहुत लंबे हैं, चर्चा करूंगा आगे चल करके, उनको हम नहीं जान पाते। और यहां हम आपसे सृष्टि के सौरमंडल की बात करना चाहते हैं ताकि कालगणना का एक स्वरूप सामने हमारे आवे। हम सब जानते हैं कि भारतीय जो कालगणना है वह सौरमंडल पर आधारित है, जिसको जो पाश्चात्य मनीषी हैं वो सोलर सिस्टम कहते हैं, यूनिवर्स कहते हैं, लेकिन हमने ब्रह्मांड कहा है उसको। इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति किससे होती है? आकाशगंगाओं के माध्यम से होती है। ऐसी तमाम सारी आकाशगंगाएं इस ब्रह्मांड में है और इस महासूर्य का विखंडन होता रहता है, जिनको हम ग्रह तारे नक्षत्र कहते हैं। मित्रों वास्तव में क्या है इन महासूर्यों का आपस में जो विखंडन है, पुनः विखंडन है, धीरे धीरे जब तक वो प्रकाशमान रहते हैं धीरे धीरे वो प्रकाशहीन हो जाते हैं, स्थूल हो जाते हैं, पिंड हो जाते हैं और बड़े सूर्य का चक्कर लगाने लग जाते हैं। तो हम कहते हैं कि ये सारे ग्रह हैं तो सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं और उनको हम नक्षत्र तारा आज के रूप में देखते हैं। ये सारा जो गैलेक्सी है इसको हम इन आंखों से नहीं देख सकते। इसीलिए आपने देखा होगा जो बड़े बड़े दूरवीक्षण यंत्र बनाए गए उन यंत्रों के माध्यम से देखा गया। आज की जो स्थिति है मित्रों वो कहते हैं कि 7 अरब जो है तारे जो है इस पूरे ब्रह्मांड में आपको दिखाई दे रहे हैं और यह ज्योतिष शास्त्र का विषय है। इस नाते संक्षेप में मैंने इस बात को आपको सामने रखा है, इसको लेकर के आगे चल करके जो पश्चिमी वैज्ञानिक हैं कोपरनिकस गैलीलियो न्यूटन आइंस्टीन आदि ने बहुत काम किया। आज स्थिति यह है कि वैज्ञानिक आविष्कारों के नाते जो डिजिटल एज हमारी आई है इसने काल को समझने में बड़ी सुविधा दी है। हम सबके पास जो मोबाइल है, हम सबके पास जो कंप्यूटर सिस्टम है, इस सिस्टम के नाते हम सौरमंडल को देख सकते हैं, हम सूर्यमंडल को देख सकते हैं, उसके पीछे पीछे चक्कर लगाने वाले ग्रहों को देख सकते हैं और इस पूरे जगत का अवलोकन कर सकते हैं, नमन कर सकते हैं। पहले धारणा थी कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ये भ्रम था। लेकिन आज आर्यभट्टियम के नाते स्पष्ट हो गया है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। भ्रम हमको इसलिए होता कि हम पृथ्वीवासी हैं।
आप जब किसी ट्रेन में बस में चलते हैं तो लगता है कि सारी सड़कें चल रही हैं, पेड़ चल रहे हैं, सब लोग चल रहे हैं, सच्चाई यह है कि आप चलते हैं उसमें, वो स्थिर है। इस भ्रम के नाते हमको लगता है कि पृथ्वी जो है वह स्थिर है, लेकिन सच्चाई यह है कि पृथ्वी चलायमान है। और इसके नाते जो ब्रह्मांडी सत्ता है वो हम मान के चलते हैं कि थोड़े समय के लिए हम मान लें कि हम पृथ्वी पर नहीं सूर्य पर हैं, और ग्रहों की जो स्थिति दूरियां हैं, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, शुक्र शनि है, और जो यूरेनस है, नेपच्यून है, प्लेटो है, जो नौ की गणना की जाती है, इनको हम लोग देख लेते हैं। वास्तव में जो ग्रहों की स्थिति है साथ ही है, जिनके नाम पर हमारी तिथियां बनी है, वास बने, वासर बने हैं, दिन बने हैं, लेकिन जो राहु केतु है वास्तव में सूर्य और के गतियों के आधार पर है। सूर्य चंद्रमा के जो ग्रहण की गतियां हैं, इन ग्रहण गतियों का जो योग होता है उससे राहु केतु आते हैं, और इनका अध्ययन करने का एक अलग विषय बनता है, और उसको ध्यान में रखते हुए भारतीय काल गणना को देखना चाहिए। क्योंकि अभी तक तो हम इतिहास के लोग 5000 वर्षों का ही इतिहास नहीं लिख पा रहे हैं, हमको सृष्टि का इतिहास लिखना है। हमारे सामने जो आदर्श है, संकल्प मंत्र है, इसमें कहा जाता है कि श्री श्री श्वेत वराह कल्पे वयुष्मन मंत्रे जम्बूद्वीप में भारत खंडे आर्यावर्ते कलयुगे, और कलयुग के आधार पर जो हमारी कागणना चल रही है इसको हम प्रचलित कर रहे हैं। क्योंकि तो मनाया जाता है कि अभी हम चौथे युग में हैं, अभी तो हमको द्वापर का, त्रेता का, सतयुग का इतिहास जानना है। शास्त्र हमारे तो तैयार हैं, लेकिन हमारी मानसिकता तैयार नहीं है, क्योंकि हमारा जो अध्ययन का अभ्यास है वो पश्चिमी जगत का अभ्यास है। इस आधार पर भी इसको देखना चाहिए। तो काल गणना का आधार क्या है? ग्रह गतियों से गणना की जाती है, और इन गतियों को समझ करके कई बार भ्रम भी होता है, और इस भ्रम के नाते जो वास्तविक काल गणना है मित्रों, वो सूर्य चंद्रमा और बृहस्पति पर आधारित है। इसके आधार पर हम एक आपको अवलोकन कराना चाहते हैं कि भारतीय काल गणना में कौटिल्य शास्त्र में दिया है, कालमाधव ने दिया है, काल विवेक ने दिया है, पांडु वामन काणे ने धर्मशास्त्र के इतिहास के खंड में बकायदे काल के मुहूर्त की चर्चा की है। जब भेद ज्योतिष का विकास हुआ तो सारे ग्रंथों का विषय बनने लगा। इसमें मैंने कहा था सबसे छोटी जो काल गणना है वो सुई के नोक से कमल के पत्ते पर छेद करने जो समय लगता है उसको हमारे यहाँ त्रुटि कहा गया है। अब बोलचाल की भाषा में कहते हैं बार बार हमसे त्रुटि हो गई, यानी कि जो गलतियां हुई है बहुत अल्पकाल लेती है, लेकिन गलतियां हो जाती हैं, उसको हमारे यहाँ कालगणना में लेते हैं। और मित्रों मैं कहना चाहता हूं आज की जो कालगणना है, जो अंग्रेजी के आवर की गणना है, जो घंटे और जो मिनट और सेकंड की गणना है, 60 सेकंड का एक मिनट है, 60 मिनट का एक घंटा है, जिसको आवर कहते हैं, हमने उसको होरा कहा है। उच्चारण में अचोयुवार होता है। 24 घंटे का एक अहोरात्र है, दिन रात है, 4 सेकंड का एक अशु है, 1 सेकंड का में 33,750 त्रुटियां हैं। अर्थात जो एक त्रुटि है भारत की, उसमें वह एक त्रुटि जो है उसमें एक सेकंड का 33,705 भाग है। अर्थात इतने बड़े भाग का हमारा एक त्रुटि है जिसको अभी दुनिया नहीं जान पाई है, अभी डिजिटल एज भी उसको नहीं जान पाया है। इसके आधार पर हमको भारतीय काल गणना को लिखना चाहिए। और इसी में कहा गया कि 100 त्रुटि बराबर एक तत्पर। तत्पर का हम प्रयोग अपने जीवन में भी करते हैं, तत्परता लाइए, तत्पर हो जाइए। हाँ भैया कुछ रोज सुन रही हूँ लेकिन इस समय सर क्या। और द 18 निमेश का एक काष्ठा है, 30 काष्ठा का एक कला है, 30 कला का एक घटी है, 2 घटी का एक मुहूर्त है, 30 मुहूर्त का एक अहोरात्र है, 10 गुरु अक्षर जो है जो हम बोलते हैं उच्चारण में, इसका एक अशु है। अभी अशु बताएंगे आपको हम, अभी अशु बताएंगे आपको हम। 6 अशु का एक पल है, 6 पल का एक घटी, 60 पल का घटी है,
60 घटी का एक अहोरात्र है और 21,600 आसु का एक अहोरात्र है, 95-45 निवेश का एक आसु है, एक गुरु अक्षर का एक विपल है और 60 विपल का एक पल है। आपको ध्यान में होगा या मैं कहना चाहूंगा, आगे इसका विस्तार भी होगा, आप देखेंगे। एक स्वस्थ जो मनुष्य है जो श्वास लेता है, इस श्वास को हमारे यहां आसु कहा गया है, उसकी गणना भी आगे आएगी। लेकिन जैसे अभी आपने अहोरात दिन रात की बात की है, तो जो भारती का गणना है वो कितनी वैज्ञानिक है यह बताने के लिए मैं दृष्टांत रख रहा हूं। आप भूल जाएंगे सारी पाशात का गणना को, ईसाई का गणना को, जिसकी अभी पूरी वैज्ञानिकता ही नहीं है। 7 अहोरात्र का यानी 7 दिन का एक सप्ताह हम मानते हैं, 15 अहोरात्र का एक पक्ष मानते हैं, 2 पक्ष का एक मास मानते हैं, 2 मास का एक ऋतु मानते हैं, 3 ऋतु का एक ऐन मानते हैं और 2 ऐन का एक वर्ष मानते हैं, 360 वर्ष का एक दिव्य वर्ष है, 1200 दिव्य वर्षों का एक कलयुग है जो 4,32,000 वर्षों का है। अभी हम कलयुग के कालमान में चल रहे हैं, 5,122 वर्ष हमारा चल रहा है। महाभारत युद्ध के बाद, युधिष्ठिर का अधिकरण 36 वर्ष के बाद ये शुरू हुआ था, अगर उसको आज का गणना में कहेंगे, ईसा मसीह का गणना में कहेंगे, 3,102 वर्ष में शुरू हुआ था, 2020 जोड़ देंगे आप उसमें तो 5,122 वर्ष हमारा चल रहा है जब हम ये कार्यक्रम अनुष्ठान कर रहे हैं। अभी लंबी का गणना बाकी है। 2 कलयुग का द्वापर होता है, हम द्वापर द्वि का होता है यानी कलयुग का दुगुना 8,64,000 वर्षों का है। 3 कलयुग बराबर होता है एक त्रेता, इसलिए त्रेता कहते ही है उसको, 12,96,000 वर्षों का है। और 4 कलयुग का बराबर एक सतयुग होता है, 17,28,000 वर्षों का है। 18 जो 10 कलयुग है वह एक महायुग है, 43,20,00,000 वर्षों का है, 20,000 वर्षों का है। 71 जो महायुग है एक मनुकाल है, एक मनुसंधि है जो एक सतयुग के बराबर है, 18 मनुसंधि है जो 6 महायुग है, 14 मनु और 15 जो मिल करके 100 महायुग होते हैं, 1,000 महायुग होते हैं, जिसको एक कल्प कहते हैं। तो इन शब्दों का प्रयोग तो हम लोग करते हैं लेकिन सबका संबंध काल से है। और एक कल्प बराबर एक ब्रह्मा का एक दिन होता है और 2 कल्प बराबर ब्रह्मा का एक अहोरात्र है और ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष है। इस तरह से मित्रों पूरी कालगणना को आप देखेंगे तो आपको ध्यान में जाएगा कितनी सुदृढ़ कालगणना भारती के पास है। अभी इतिहास लेखन कितना बड़ा काम करना है, अभी हमारी पीढ़ियों को कितना लंबा इतिहास देखना है। अब हम आते हैं उस भाव की ओर जो हमने कहा था, 21,600 जो कलाओं की बात आई थी, ये वास्तव में जो दैनिक जो नक्षत्र विज्ञान है इसका आधार पर है। जो 360 अंशों की बात की जाती है, प्रत्येक अंश में 60 कलाएं होती हैं और 60 विकलाएं होती हैं। 360 में 60 और 60 से गुणा कर देंगे आप तो 21,600 आ जाता है। पूरा वृत्त का जो कालमान है वास्तव में 21,600 अंशों का है और इसके आधार पर ये माना जाता है कि स्वस्थ व्यक्ति, जितेंद्रीय व्यक्ति, योगी व्यक्ति, महापुरुष व्यक्ति जितने समय में श्वास लेता है और श्वास छोड़ता है, जो पूरी प्रक्रिया है जिसको आसु कहा जाता है, वह एक और दिन रात में 21,600 श्वास लेता छोड़ता है। इसी तरह से पृथ्वी अपनी धुरी पर भी ऐसे ही घूमती है, 21,600 आसु काल में वह चक्र पूर्ण करती है। यह पृथ्वी को की कालगणना का आधार है। पृथ्वी का जो मार्ग है वह कक्षा है, तो चक्र पूरा करती पृथ्वी तो वह वर्ष काल है। तो इस तरह से मित्रों पूरे आकाश को हमने, हमारे मनीषियों ने 27 नक्षत्रों में विभाजित किया है और उसकी गणना में आप जानते हैं। मैं इसलिए करना चाहता हूं यहां पर क्योंकि तो अभी उसका संदर्भ आया है, अभी एक संदर्भ आया है 5 अगस्त 2020 को नक्षत्र का, अभिजीत नक्षत्र का सत्र आया है, उल्लेख हुआ था। हम सब इतिहास के विद्यार्थी हैं, हमको जानना चाहिए क्या है ये। हमारे कालगणना विशेषज्ञों ने पूरे ब्रह्मांड को, पूरे आकाश को 27 नक्षत्रों में बांटा है
अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगिश्रा आर्द्रा पुनर्वसु पूष्य अश्लेषा मघा पूर्व फाल्गुनी उत्तर फाल्गुनी हस्त चित्रा स्वाति विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा मूल पूर्वाषाढ़ उत्तराषाढ़ श्रवण घनिष्ठा शतभिषा पूर्व भाद्र उत्तर भाद्र और रेवती। इसमें से 21वां बारहवीं जो नक्षत्र है वो उत्तर आषाढ़ है और श्रवण है। उत्तर आषाढ़ का चौथाई हिस्सा और श्रवण नक्षत्र का पंचमांश मिला करके एक योग बनता है जिसे कहते हैं अभिजित नक्षत्र योग, और यही पुण्य कार्यों के लिए शुभ मुहूर्त होता है। प्रभु श्री राम के मंदिर की जो शिला पूजा हुई है, भूमि पूजन हुआ है, उसी महात्म्य नाते हुआ है और इसी महात्म्य की सभी प्रतीक्षा करते हैं। यह जो सिद्ध योग है यह आवे, इस तरह से माना जाता है कि 27 तो पहले से हैं, लेकिन जब योग कभी कभी आता है तो 28 नक्षत्रों में पूरा आकाश बटा हुआ है और इस तरह से उसके पूरे राश की गणना होती है, सौर पिंडों गणना होती है और इस तरह से जो राशियां हैं उनका विभाजन होता है और राशियों की आकृतियां जो है, अभी आप चर्चा करेंगे इस बात को, जो दिन है मास है राशि है जो पंचांग में आता है। हम सब जानते हैं 12 राशियां हैं, मेष है वृष है मिथुन है कर्क है सिंह है कन्या है तुला है वृश्चिक है धनु है मकर है कुंभ है और मीन है। इन सब राशियों को हम देखते हैं जब हम पंचांग खोलते हैं तो सबकी कोई ना कोई एक आकृति होती है। वृषभ की आकृति होगी तो वृषभ बना होगा, मीन की होगी तो मीन बना होगा, कन्या होगी तो कन्या बनी होगी। वास्तव में मित्रों आकाश में दिखाई देने वाली आकृतियां हैं ये, जिनको हमारे लंबे काल विज्ञानियों ने लंबे अध्ययन के बाद जाना था। और यहां मैं आपको उद्धृत करना चाहूंगा महाभारत का एक संदर्भ है कि महाभारत में एक ऋषि मतंगेश्वर है, उनका संदर्भ एक ग्रंथ में मिला था हमको। वो सूर्योपासक थे और बिना सूर्य की आराधना किए संध्या किए वो कुछ ग्रहण नहीं करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि संध्या का समय होने वाला था, सूर्यास्त होने वाले थे, लेकिन उन्होंने संध्या नहीं शुरू किया। ऋषि पत्नी ने देखा कि ऐसा क्या हो गया है ऋषि को कि संध्या होने वाली है, सूर्यास्त हो जाएगा, उनके जीवन का जो व्रत है भंग हो जाएगा, उनका तप भंग हो जाएगा। उन्होंने कई बार कहा हे ऋषि संध्या होने वाली है, सूर्यास्त होने वाला है। मित्रों देवियों सज्जनों भाइयों बहनों आप गर्व होना चाहिए, जब उन्होंने तीसरी बार कहा ऋषि पत्नी ने कि सूर्यास्त होने वाला है आपकी संध्या नहीं हुई है, तो उन्होंने कहा कि तुमने क्या कहा, सूर्यास्त होने वाला है, सूर्य की ऐसी हिम्मत जो अस्त हो जाएगा। और वो निकल पड़ते हैं वन की ओर चल पड़ते हैं। ऋषि पत्नी देखती है कि सूर्य तो ठहर गए, उनको लग गया कि ये ऋषि का तप है, इसने सूर्य को भी ठहरा दिया है और इसीलिए उनको संतोष हुआ कि ऋषि की तपस्या पूरी हो गई। ऐसे ऋषि हमारे पास हैं, अकेले महाभारत में आप जाएंगे तो 550 से अधिक ऋषियों का उल्लेख है। अच्छा लगता हमारे इतिहास के अध्येता प्रत्येक ऋषि का अध्ययन करते, ऋषियों के तप का अध्ययन करते, जिन्होंने ब्रह्मांड का अध्ययन किया है, राशियों का अध्ययन किया है, काल को जाना है, कालगणनाओं को जाना है और उनको समझा है। यहाँ हम जो सौर पिंड हैं जिनके आधार पर गणना की जाती है उनकी चर्चा बहुत नहीं करेंगे, क्योंकि आप सबको उन चीजों के बारे में मालूम है। हम सबको मालूम है कि सूर्य जो है सबसे बड़ा ग्रह है और वो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है, और उसको हमने समझा कैसे है तो कठोपनिषद के मंत्र से समझा है। जब यमराज पूछते हैं, यमराज से पूछते हैं नचकेता, हे नचकेता बताइए तीसरे वर के बारे में कि ये प्रत्ये चिकित्सा मनुष्य अस्तित्व के नायम अस्तित्व के एतद विद्याम
अनुशिष्टत्वयाहं वराणामेशः वरस्तृतीयः। हे यमराज, तीसरा वर मैं मांगता हूँ कि जो मनुष्य मर जाता है, लोग कहते हैं प्रेत हो गया, ये क्या माजरा है, क्या रहस्य है इसका? यमराज बहुत प्रलोभन देते हैं नचिकेता को। हे नचिकेता, तो पूरे ब्रह्मांड का राज्य ले लो हमसे, इन बातों को मत पूछो। लेकिन नचिकेता नहीं मानता है और यमराज उसको पूछते हैं और पूछ करके अंत में उत्तर देने के बाध्य होते हैं और उत्तर में वो कहते हैं इस बात को और वो हमको संकेत मिल जाता है कि हे नचिकेता, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इन्द्रियाणां हयानाहुः विषयास्तान गोचरान। ऐसे करते करते उन्होंने कहा कि हे नचिकेता, इस शरीर को रथ समझो और शरीर के भीतर बैठी हुई जो आत्मा है जो नहीं दिखाई देती है, रथ का मालिक नहीं दिखाई देता है, वही परमात्मा है और इस परमात्मा को समझो। जो उसके घोड़े हैं हमारी तुम्हारी इंद्रियां हैं, हाथ पैर नाक कान गला है, ये सारी बात समझाते हैं। इस उपालंब से, ऋषि के इस दर्शन से हमें सूर्य के स्वरूप का ज्ञान हुआ, तो हमारे मनीषियों ने, हमारे शिल्पकारों ने कोणार्क में सूर्य का मंदिर बनाया। आप देखें, संपूर्ण काल विज्ञान जानने के लिए अगर किसी को कहीं जाना है दुनिया में, तो उड़ीसा में जगन्नाथ जी के क्षेत्र में जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो संपूर्ण काल गणना का मंदिर है। इसलिए आज के इस अवसर पर हम सबको ये जानना चाहिए कि जो शिल्प संहिता है जिसमें पूरा विवरण है कोणार्क के मंदिर के शिल्प का, रथों के सारे काल भाग का, चाहे वो दिन हो, महीने हो, राशियां हो, सूर्य की गतियां हो, इन सारी गतियों को वहां देख सकते हैं आप। भारत में जीवित मंदिर है, यद्यपि उसको नष्ट कर दिया गया है, केवल जगमोहन बचा है, कुछ भाग बच गए हैं, लेकिन आज भी वह जो बची हुई कला है पूरी कालगणना को बताने के लिए समर्थ है। और इसी तरह से जो तमाम सारे जो सारे ग्रह हैं जो सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, उनको भी आप जानते हैं, हमारे दिनों के रूप में उनकी विद्यमानता है। तो 9 प्रकार के कालमान हमारे यहाँ शास्त्र में मिलते हैं, ब्राह्मण, दिव्य, पितृ, मनु, वारस्पत्य, सौर, सामन, चांद और नक्षत्र। इनमें नक्षत्र, चांद्र और सामन और सौर मानों को मास, दिन, मास, वर्ष सभी का प्रयोग किया जाता है। विशेष रूप से नक्षत्र मान में से दिन में घटी का, चांद्र मान में तिथि और मास का, सावन मास में दिन का, सौर मान से ऋतु, अयन और वर्ष का और युग का की गणना की जाती है। वार्षपत्य मान से संवत्सर और बार तथा 60 युगों की गणना की जाती है। मनु मान से मनवंतर की, पितृ मान से मास की, दिव्य मान से युग की, ब्राह्मण मान सृष्टि की तथा कल्प गणना की जाती है। इस तरह से आप पाएंगे जो भारतीय का गणना है अत्यंत विशाल है, किसी व्यक्ति के एक जीवन के लिए संभव नहीं है। अनेक जीवन लगने वाले हैं, अनेक पीढ़ियां लगने वाली हैं और साधक भाव से, योगी भाव से गंभीर होकर के, क्योंकि राज गंभीर नाथ के भाव में आकर के आप जब इन चीजों को देखेंगे तो दिव्यता के साथ उनको देख पाएंगे, जैसे उन्होंने देखा था, जैसे उन्होंने जाना था, जगत का लोक किया था, जीव को देखा था, तात्विक ज्ञान रखा था। अब प्रश्न आता है मित्रों, कालगणना प्रारंभ कैसे हुआ? तो कालमाधव ने ब्रह्म पुराण में एक सुंदर दृष्टांत दिया है, उसको हमको जानना चाहिए। वो कहते हैं कि चैत्र मास से जगत ब्रह्मा ससर्ज प्रथमे अहनि, अर्थात चैत्र मास में ब्रह्मा ने संपूर्ण सृष्टि की रचना किया, शुक्ल पक्ष समग्रम तदा सूर्योदय सति, शुक्ल पक्ष में सूर्योदय के समय सृष्टि का निर्माण हुआ। प्रवर्तया मास तदा कालस्य गणनामपि
ग्रहान वारान ऋतुन मासान वत्सरान वस्त्रान अधिष्ठान। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को लंका में सूर्योदय के समय संसार की सृष्टि की थी। लंका उस समय भारत के भीतर था और उसी के समय में काल की गणना चालू हुई। उसी समय ग्रहों वारों ऋतुओं मासों संवत्सरों और संवत्सरों के अधिष्ठानों का जिन्होंने प्रवर्तन किया था उनका भी गणना की गई, उनका प्रवर्तन किया गया। इसीलिए चैत्र मास की जो प्रतिपदा होती है शुक्ल पक्ष की वह पूरी भारतीय कालगणना का आरंभ बिंदु है। इसलिए भारतीय कालगणना आचार्य कौटिल्य ने भी यही कहा है। आचार्य कौटिल्य ने इसी कालगणना के आधार पर जो कर वसूल करने की सारी पद्धति थी, जो कृषि का विकास था, राजा को चाहिए कि कालगणनाओं को जाने, संवत्सरों को जाने और वह जान करके ही वह उस मुहूर्त में अपना कार्य करे जिससे प्रजा कल्याण हो, इससे लोक हित हो, जगत हित हो, विश्व कल्याण हो, वसुधा का हित हो, ब्रह्मांड की रक्षा हो सके, प्रकृति का दोहन नहीं प्रकृति का पूजा हो सके, प्रकृति श्रद्धा की आराधना हो सके, ये सारी बातें आई। इसके आधार पर जो भारतीय कालगणना हो मानती है कि ब्रह्मा को सृष्टि का निर्माण करने में 1,70,64,000 वर्ष लगे थे, यह हमारे यहाँ एक्यूरेट कालगणना है। लेकिन जो सृष्टि का आरंभ हुआ, कई सृष्टियां हुई थी, इसमें पुलिस सभी सृष्टियों को लेकर जो कालगणना आई है वह 1,95,58,86,86 वर्ष और उस पूरे सृष्टि के समय में ये गणना आती है। 1907 से इस गणना को गिना जाता है, इसलिए कहा जाता है कि यह पूरी युग से कालगणना है, ये वास्तव में यही भारतीय कालगणना है। अभी हम तो इतिहास के फलक पर जो हमारी वर्तमान सृष्टि है इसी को नहीं समझ पा रहे हैं और भी इसको मिनिमाइज कर दिया गया, इतना छोटा बना दिया गया कि छोटेपन के नाते तमाम सारे पक्ष हमारे इतिहास के अछूते रह गए। और आज स्थिति हमारी यह है कि तमाम सारी कालगणनाओं में हम उलझ गए हैं और उन गणनाओं में जो प्रामाणिक गणना है उस कालगणना को हमको जानना चाहिए और उस कालगणना को जानने के बाद आगे चल करके जो वैज्ञानिक कालगणना आएगी वो सारी कालगणना पूरे जगत को सही तथ्यों के बारे में जानने के लिए अवसर देगी। ऐसी स्थिति में मित्रों यहां यह भी जाना आवश्यक है, जैसे भी आप पंचांग की बात करेंगे तो मैंने आपसे कहा इधर के 40 वर्षों के अध्ययन के आधार पर अवसार्थ स्मारक समिति ने और उज्जैन के डॉक्टर वाकणकर शोध संस्थान ने वाकणकर जी की अपनी जो दृष्टि थी, जो वराह मेहर संहिता है, इसके अध्ययन के आधार पर लोगों ने जो उज्जैनी में अध्ययन किया, उज्जैनी के हमारे जो वेदज्ञ हैं आचार्यज्ञ हैं जो उन्होंने अध्ययन किया उसके आधार पर जो ग्रह गतियों का अध्ययन हुआ वो भारतीय कालगणना से आती है। इसलिए हमें इतिहास लेखन में अभी तत्काल तो हमको जो श्वेत वाराह कल्प है जिसकी चर्चा मैंने किया इतिहास पुरुष के रूप में, अभी तो इसको हम जान लें ये पर्याप्त हमारे लिए है। उसके पहले के जो कल्प हमारे हुए हैं उन सारे कल्पों में जो इतिहास जो घटित हुआ है जिसको यूरोपीय मानसिकता से सीमित कर दिया गया है और जिसके आधार पर हमारे सद्य बाब साहब आप्टे ने दशावतारों में इतिहास देखने का प्रयास किया था और उसके आधार पर हमारे राष्ट्र जीवन की परंपरा में जो इतिहास देखने का प्रयत्न किया था वह प्रयत्न हमारा सार्थक होगा। यहाँ पर हम सौर पिंडों के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे तो हमको ध्यान में आएगा। हम जब जानते हैं कि सूर्य सबसे बड़ा ग्रह है और इस सूर्य के संबंध में बहुत कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये जानने की आवश्यकता है कि सूर्य का स्वरूप क्या है और इस स्वरूप को हमारे किसने देखा है, ऋषियों ने देखा था। मैंने महाभारत के जिस ऋषि का उल्लेख किया था अभी आपको, वह सूर्योपासक थे।
आदित्य उपासक थे। यही कारण था कि जो हमारे वैदिक जन थे जो हमारे भारत के बाहर गए थे उसमें अनुद्रव और तुर्गुसु इन तीन के बारे में विद्वानों का यही मानना है ये सब मध्य एशिया में चले गए थे, बाद में पुनः भारत को लौटे हैं। तकथागत प्रसाद वर्मा जी जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के थे उनका मानना है कि वास्तव में ये वैदिक जन थे जो बाद के कालखंडों में समय देख करके तो पुनः भारत को लौटते हैं, इसलिए उन्होंने भारतीय मासों का अध्ययन किया। आप पाएंगे शकों के कुषाणों के अभिलेखों में भारतीय कालगणना है, कुषाण कनिष्क के जो अभिलेख जितने मिलते हैं उसमें मास है, संवत्सर है, वर्ष है, दिन की कालगणना है। यह कालगणना अन्यत्र नहीं मिलती है। संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख जो है रुद्रामों के जूना का अभिलेख है जो तो शकों का अभिलेख है। तो अगर शकों ने कुषाणों ने अगर हुणों ने इस रूप में अगर भारत में आकर के पूरी भारतीय परंपरा को आत्मसात कर लिया तो उसका मतलब है कहीं कहीं के भीतर हमारे पूर्वजों का रक्त था, हमारे वैदिक जनों का रक्त था, लंबे समय से मध्य एशिया क्षेत्र में घूमते घूमते तो पीढ़ियां पूरा भारत को आती है। अब इस दिशा में भी हमको काम करना पड़ेगा और उस कालगणना को जानने के लिए हमें अन्य जो कालगणनाएं हैं उनको भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, जिससे कि हम जिस कालखंड को हमारे यहाँ आक्रांताओं कालखंड कहा गया उसको हम नए फलक पर लेकर के हम देख सकें, समझ सकें, उनके योगदानों को समझ सकें और सही भारतीय इतिहास हम सामने रख सकें। मैं सूर्य की बात कर रहा था, आप सबको मालूम है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा जो पिंड है वो सूर्य है, ये पृथ्वी से के व्यास से 108 गुना बड़ा है, पृथ्वी से 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर है, इसका प्रकाश 8 मिनट 18 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंचता है और सूर्य मध्यम मान से एक मास में एक रात 14 दिनों में छत पार करता है। और इस तरह सूर्य का पूरा परिवार है जिसको हम मास कहते हैं, वार कहते हैं, अयन कह रहे हैं, अनेक नाम दिया हमने। ये वास्तव में जो राशियां हैं, नक्षत्र हैं, यह सूर्य का बृहत्तम परिवार है। तो पूरे ब्रह्मांड का जो सबसे बड़ा जो मुखिया है, देवता है, जो ग्रह है सूर्य है, उसकी स्थिति से सब जुड़े हुए हैं। अनेक सूर्योग और महासूर्यों के बीच जो विखंडन हुआ था जिसमें पहले बताया, उस विखंडन के बाद जो तमाम सारे उसके जो पिंड सामने आए, जो बिखरे, वो सारे पिंडों को अनेक ग्रहों तारों के रूप में हम देखते हैं, जानते हैं, दुनिया का सारा विज्ञान इसको जान रहा है, समझ रहा है। 7 अरब से अधिक संख्या में तमाम सारे तारिकाएं, नक्षत्र इस पूरे खगोल में विद्यमान है, पूरी गैलेक्सी है। जगह जगह जो हमारे यहाँ वेदशालाएं बनाई गई, जगह जगह जो हम तारामंडल बनाए गए, उनमें यही दिखाया जाता है कि देखिए पूरा ब्रह्मांड का परिवार किस प्रकार सा है, कैसे चलता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच कक्षा में सबसे बड़ा ग्रह बुध है। बुध का व्यास बहुत बड़ा है, 4787 किलोमीटर का है, यह पृथ्वी से 9 करोड़ 44 लाख किलोमीटर दूर है। इसीलिए बुध द्वार का दिन होता है। जो शुक्रवार है, शुक्रवार को अंग्रेजी में वेनस कहते हैं, और बुध की तरह से सूर्य और पृथ्वी का कक्षा में भी विचरण करता है। अब बुध की अपेक्षा यह सूर्य और पृथ्वी का अधिक दूर है, इसलिए बहुत दूर दिखाई देता है। सूर्य से इसकी दूरी 10 करोड़ 72 लाख किलोमीटर दूर है और तमाम सारी बातें मालूम होगा। जो पृथ्वी हमारी पृथ्वी है, जो जननी है, तो माता हमारी है जिसको हमने माना है, जहां सभी ग्रह है, जहां हम सब निवास करते हैं, यह पंच भौतिक पिंड यहां देखने को मिलते हैं, सारे खनिज यहीं पर हैं, इसीलिए हमने इसके पास चुंबकीय गुरुत्वाकर्षण है, शक्ति है, इसीलिए पृथ्वी से 80 किलोमीटर ऊपर जो चीजें हैं सब पृथ्वी खींच लेती है। और इस तरह से इसका व्यास है 12,670 किलोमीटर का, अपनी धुरी पर 23 घंटे 56 मिनट 44 सेकंड चक्कर लगाती है और सूर्य की परिक्रमा करने में इसको 365 दिन 5 घंटे 48 सेकंड लगते हैं मिनट
48 मिनट 56 सेकंड लगते हैं। ये बड़ा फलक है पृथ्वी का अध्ययन करने का, इसीलिए हमारे पास ये भी एक फलक है। जो मंगल ग्रह है जिसको पुराणों में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, यह पृथ्वी के साथ सादृश्य है इसका। मंगल पृथ्वी कक्षा से बाहर सूर्य की परिक्रमा करता है, ये बाह्य ग्रह है। और आप सबके बारे में मालूम है कि जो मंगल है वो दोनों स्तर से है, मंगल शुभकरी है और कहते मंगल ग्रह भी है। मंगल का व्यास जो है, मंगल की परिक्रमा है, मंगल की जो सारी गतियां जो है, जो युति काल है, वो बकरी भी है, वाम मार्गी भी है, उदित भी है, अस्त भी है। 18 मास में वह एक राशि पार करता है। इस तरह से 27 राशियों को पार करना होता है, ऐसे शुभ प्रभाव होते हैं। उसके नाम पर हमने मंगलवार रखा है, इसीलिए हमने सबसे बड़े देवता को हनुमान जी को, शिव जी को हम रखते हैं उसके सामने, क्योंकि वो महाकाल है और शनि को ठीक करने के लिए मंगल की बड़ी आवश्यकता है, वही मंगल करेंगे। बृहस्पति जो ग्रह हमारा है, जहां गुरुवार का दिन पड़ता हमारा, सूर्य को छोड़कर से सभी ग्रहों से आकार में बड़ा है, इसीलिए बृहस्पति गुरु कहा जाता है। इसका व्यास 142,725 किलोमीटर का है। शक्लात्मक विमान 22 विकला का है। पृथ्वी से इसकी बड़ी दूरी है, सूर्य से भी वही दूरी है। बृहस्पति से एक संवत्सर का काल है। इसके अथवा 12 वर्षीय जो बड़ी गणना हमारी 60 वर्षीय होती है, युग की मानी जाती है। ऐसे ही शनि का है। शनि पृथ्वी से बहुत दूर होने के नाते छोटा दिखाई देता है। इसका व्यास 126,556 किलोमीटर का है और पृथ्वी से 734 गुना बड़ा है। और 2.5 वर्ष में यह एक राशि पार करता है। प्रतिवर्ष यह 4 मास वक्री और 8 मास मार्गी रहता है। सूर्य से 3 राशि पीछे रहने पर यह 3 कला और 4 राशि पीछे होने पर यह 1 कला प्रति चलता है। ऐसी तमाम सारी गतियों का अध्ययन हमारे मनुष्यों ने किया है। ऐसे ही चंद्रमा है। पृथ्वी पर सभी ग्रहों में चंद्रमा प्रभाव है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, इसलिए पृथ्वी का उपग्रह है। और इसी कलाओं के नाते आप जानते हैं, ग्रहों के नाते, जो सूर्य की गति है 12 अंश उत्तर होने पर यह तिथि मानी जाती है। चंद्र जो कलाएं हैं, जो राहु केतु है, जैसे मैंने पहले कहा, चंद्रमा की कक्षा और पृथ्वी कक्षा का जो योग होता है वह राहु है और दूसरा जो योग होता है वह केतु है। इस तरह से कालमान की स्थिति आगे आती है और एक लंबे कालमान के भारतीयों ने अध्ययन दिया था। कुल 9 कालमानों की चर्चा आती है, जैसे मैंने पहले कहा था आपको, ब्राह्मण, दिव्य, पितृ, मनु, वारस्पत्य, सौर, सामन, चंद्र, नक्षत्र, ये बड़े बड़े कालमान है जो हमारी गणना के सामान्य गणना में नहीं आते हैं। हमारी जो जीवन की जो अल्पता है, शतायु व पुरुषा की अल्पता है, ये इस कालमानों के भीतर समेट जाती है। लेकिन लोगों ने इसको समझने के लिए, सुविधा के लिए छोटे कालमान से प्रारंभ किया है। छोटा नक्षत्र है, चांद्र है, सावन है, सौर है, और इनमें दिन है, मास है, वर्ष है, सभी का उपयोग होता है, इसीलिए इनको हम लोग को देखना चाहिए। और इस तरह से ये सारे युगमान चलते हैं। जो कालगणना हमारी है मित्रों, इस पूरे कालगणना को जैसे हमने पहले बताया, जैसे ब्रह्मा का सारा मान है, उस सारे मान को देख करके यह पूरी सृष्टि चलती है। और इस सृष्टि को समझने के लिए हमें इधर ध्यान देना पड़ता है। लंबे समय का यह आज का वेबिनार है ये, और इस वेबिनार में आप सबके सामने इन सारे विषयों को रखने का एक प्रयास किया गया है। इसमें कुछ बातों को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि सारे हमारे जो ब्रह्मांडीय शक्तियां हैं, सारे हमारे जो ब्रह्मांड के ग्रह हैं, सारा जो हमारा दिनमान है, हमारा जो वर्षमान है, हमारा जो कालमान है, वास्तव में हम सब ब्रह्मा के बनाए दिनों में चल रहे हैं। जो ब्रह्मा के दिनों के कालमान को नहीं समझ पाते, ऐसे हमारे ईसाई पादरियों ने उसको झुठलाने का प्रयत्न किया और कहा कि सृष्टि का आरंभ 4000 वर्ष ईसा पूर्व में शुरू हुआ। और आप देख रहे हैं दुनिया के जो वैज्ञानिक आविष्कार हैं, उन्होंने, उनके देशों ने ही इसको अमान्य कर दिया। कहीं 4000 ईसा पूर्व के आसपास का सृष्टि का निर्माण हुआ। और यहां तक कहा बिशप ने कि 7 दिन में ही
ईसा मसीह ने पूरी सृष्टि का निर्माण कर दिया और उनकी पसलियों से ईव स्त्री का निर्माण हुआ और फिर बाद में समुद्र वनस्पतियां पृथ्वी आदि का निर्माण हुआ। तो क्या मित्रों 7 दिनों में सृष्टि का निर्माण की अवधारणा जैसे ईसाई मानसिकता से दुनिया ने अस्वीकार कर दिया, ऐसे ही समय है अच्छा मुहूर्त देख करके अभिजित नक्षत्र मान करके अयोध्या के श्रीराम मंदिर के शिलान्यास के मुहूर्त ढूंढ करके दुनिया के सभी इतिहासकारों को, इतिहास के प्रेमियों को, इतिहास के पाठकों को, इतिहास का अध्येताओं को, आने वाली पीढ़ियों को, भारतीय इतिहास के सम्यक आधार को समझने के लिए, हमें भारतीय कालमान के आधार पर इतिहास लेखन के लिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलने के लिए हमें वह मार्ग ढूंढना पड़ेगा। अभी जो हमारा अज्ञात इतिहास है वो 5122 वर्षों का है, जिसको इतिहास संकलन योजना ने कलयुग आपसे जोड़ा है। अभी कलयुग का जो इतना वर्ष बीता है, द्वापर का वर्ष हमारा आगे आएगा, द्वापर के बाद त्रेता का आएगा, त्रेता के बाद सतयुग का आएगा। अभी जो 4 स्थूल युग हैं इसका भी इतिहास हम जान लें, जो इतिहास हमारे ग्रंथों में है, हमारे पुराणों की जो पूरी पृष्ठभूमि है इसी को लेकर बनाई गई है। इसीलिए कहा गया पुराणों में कि सर्गश्च पतसर्गश्च वंशम मन्वंतराणि च वंशम चरितम चैव पुराणम पंचलक्षणम्। पुराणों के 5 लक्षण बनाए गए, वो 5 लक्षण यही थे कि सर्ग यानी सृष्टि, पतिसर्ग यानी पुनर्सृष्टि यानी प्रलय का इतिहास, वंश सारे जो वंश हैं चाहे सतयुग के हो, त्रेता के हो, द्वापर के हो, चाहे सूर्योत्पन्न वंश हो, चाहे सूर्य वंश हो, चाहे चंद्र वंश हो, मनु के पुत्र इक्ष्वाकु से उत्पन्न हुआ वंश हो जिसमें राम 75वीं पीढ़ी में आते हैं, उनकी सारी परंपरा हो, इक्ष्वाकु के 100 पुत्रों ने जो पृथ्वी पर राज्य किया, संपूर्ण पृथ्वी का राज्य हो, पृथ्वी का उसका अध्ययन हो, अन्यथा उन सारी परंपराओं को हम नहीं जान पाएंगे, क्योंकि जो हमारी यह कालगणना है जिसका आधार ईसा मसीह की मृत्यु है, ये वास्तव में अप्रामाणिक है और अतार्किक है और मानने का कोई आधार नहीं है। इसलिए स्वाधीनता का अर्थ केवल भौगोलिक नहीं है, स्वाधीनता का अर्थ केवल राजनयिक नहीं है, स्वाधीनता का अर्थ केवल सत्ता का हस्तांतरण नहीं है। हमें उस भाव को भी जानना चाहिए जहां बंगाल के पार्टीशन के समय जो बंगाल के 2 हिस्से बनाए गए, पूर्वी बंगाल पश्चिम बंगाल, जो पूर्वी बंगाल का उसमें गवर्नर जनरल था फुलर ने कहा था, उसके दृष्टि को ध्यान रखना चाहिए। उसने कहा था कि हिंदू और मुसलमान अंग्रेजों की 2 पत्नियां हैं जिसमें मुसलमान पत्नी सबसे प्रिय है। इस दुर्भावना को ध्यान रखना चाहिए जिसको लेकर पार्टीशन हुआ, बंगाल बांटा, बाद में पूरा देश बांटा, बाद में हम सब भारतीयों को बांटा और हम सब पूरे कालमान को हमारे तोड़ करके हमारे पूरे महाकाल के उस अधिष्ठान को छत पहुंचाई। जो हमारी विश्व की काल यात्रा थी वो खंडित हुई है, उस खंडित काल यात्रा को पुनः हमको स्थापित करना है, रिवाइव करना है, नए फलक पर उसको लेना है, जिससे कि हम दुनिया के सामने सही इतिहास लेखन के लिए सही कालगणना का प्रयोग कर सकें। अभी तो हमारे सामने जो वर्तमान सृष्टि है इसी का इतिहास लेखन है, उसमें 12 कल्प से शुरू हुई है, इसको हमको देखना होगा। यहाँ चलते चलाते मित्रों कुछ बातें और भी आपको ध्यान में रखनी है। आपने एक विषय रखा था पंचांगों का, कि जो पंचांग कालगणना है यह क्या है, इसका रहस्य क्या है। आप देखते होंगे कि प्रतिवर्ष चैत्र मास शुरू होता है उसके पहले एक बहुत बड़ा पवित्र त्योहार हम सबके लिए आता है, होलिकोत्सव होता है। होलिकोत्सव के बाद जो चैत्र शुक्ला आती है तो प्रतिपदा से नए वर्ष की शुरुआत होती है। पूरे देश में इसकी परंपरा है और इसीलिए जो हमारे पास
जो स्थानीय जो क्षेत्रीय जो संकल्प मंत्र है वो सबसे बड़े आधार है। स्वर्गीय मोरोपंत पिंगले जी ने यही सोच करके पूरे भारतीयों को युवाओं को इस काम में लगाया था कि लंबा समय लगेगा अभ्यास में, कई पीढ़ियां अभ्यास में लग जाएंगी और उन सब पीढ़ियों के सामने सही इतिहास तभी आएगा जब विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित, यहाँ तक कि जनजाति जीवन में भी हमारे यहाँ संकल्प मंत्र चलते हैं, उनकी अपनी मान्यताएं हैं, वे बहुत निष्ठापूर्वक उन सारी मान्यताओं के आधार पर अपने जीवन का संचालन करते हैं। इसलिए जनजाति इतिहास को भी हमको ढूंढना चाहिए, जनजाति इतिहास के माध्यम से हम सनातन जो परंपरा है, जो प्राचीनतम परंपरा है कारगणना की, उसका व्यवहार भी हम देख पाएंगे। आज भी वे लोग उन्हीं व्यवहारों को लेकर चलते हैं जैसे कि हम लोग करते हैं। भले ही हम कोई भी अनुष्ठान करने के लिए हम जो ईसवी सन की तिथियां इसको ले लेते हैं, लेकिन हमारे पुरोहित साथ में यह भी कहते हैं कि कलयुगे और कलयुग के बाद वो गणना करते हैं कितने वर्ष के बाद अमुक वर्षे अमुक मासे अमुक तिथौ अमुक प्रहरे अमुक मुहूर्ते अमुक पले, और यह कह करके वह अमुक नक्षत्रे, फिर वह अपना जो पूर्णाहुति है जो अनुष्ठान है वो करते हैं। परंपरा आज भी चल रही है। समस्या इतिहास लेखन में इसके प्रयोग की है, इतिहासकारों के अभ्यास की है, जो अभी तक नहीं हुई थी अब आगे होनी चाहिए। आपने जो यह अनुष्ठान किया है अच्छे मुहूर्त में किया है आपने, मैं इसको 5 अगस्त 2020 जोड़ कर देखता हूं, आज 7 अगस्त है, सुर के घोड़े में 7 रश्मियां हैं, 7 अश्व हैं, 7 स्वर हैं, सप्तलोक है, ये जो पृथ्वी है सप्तदीपा है, इस सप्त तिथि के अवसर पर जो आपने कार्य किया है, विशेष रूप से यह मांगलिक पर्व है, दिनाधिपति सूर्य उनका सारा परिवार सारे ग्रह नक्षत्र साक्षी हैं इस आयोजन के, आभासी दुनिया के, और इस आभासी दुनिया के माध्यम से दुनिया पुनः जानेगी कैसे भारत पुनः 1500 ईस्वी के पहले का जो भारत था वह पुनः रिवाइव हुआ है, 1582 के पहले का जो भारतीय कारगणना थी लेखकों की है, कैसे लौटता है, हमको पुनः लौटना है क्योंकि हमको दुनिया को सबसे पहले विश्व ब्रह्मांड की जगत की आत्मा की परमात्मा की लोक की परलोक की अवधारणाओं का किया था, उसके जो कर्ता है धाता है विधाता है प्रजापति है इनकी अवधारणाओं का विकास किया था, संपूर्ण जगत की जो प्रजा है इसका तो एक ही देवता है प्रजापति, इसीलिए उस प्रजापति के नेतृत्व में जो जो स्थिति सामने आती है उस पंचांगों के बारे में अभी हमारे प्रिय डॉक्टर सुबोध कुमार मिश्र जी ने कहा, पंचांग सुनते तो हम हैं लेकिन हम बहुत नहीं जानते, और जैसे ही होली की तिथि होती है कोई ना कोई पुरोहित इकट्ठा होता है प्रत्येक गांव में प्रत्येक शहर में प्रत्येक घरों में, और वह बताता है कि आने वाला वर्ष कैसा होने वाला है, तो इस तरह से पंचांगों की का महत्व बढ़ा। सबसे जो प्रामाणिक जो सबसे गणना में सबसे कहते हैं आप शुद्ध पंचांग है उज्जैनी का माना जाता है, उसके बाद काशी का माना जाता है, उसके बाद अन्य जो वेदशालाएं हैं वहां जो तैयार करते हैं लोग उनको हम लोग मानते हैं। पंचांगों में 5 अंग है, वार है जैसे कि इसको हम लोग दिवस कहते हैं, सोमवार है मंगलवार है बुधवार है, वार है, तिथि है, तिथि का मतलब जो भारतीय तिथि है जैसे हम प्रथमा द्वितीया कहते हैं,
नक्षत्र है, जैसे मैंने कहा जो 28 नक्षत्र हमारे पास है, 27 मूल और एक अभिजित का। फिर योग है, योग चंद्रमा और सूर्य की जो गति का योग बनता है उसको योग कहते हैं। जैसे मैंने कहा था जो 27 योग है उसके 11 है, 21,600 जो कलाएं हैं उनको लेकर जो बनता है, इसको स्वस्थ पुरुष महापुरुष योगी की जो श्वास लेने की जो अपनी प्रक्रिया है दिन रात की, वह 21,600 है, उसके आधार पर जो गणना की गई है उसको लेकर के बनते हैं, उसको योग कहते हैं। और जो करण है उसका तीसरा, वह तिथि के अर्धभाग को करण कहते हैं। जैसे कि चंद्रमा और सूर्य की गति का अंतर 6 अंश जब होता है तो कर्ण होता है। तो चांद्र मास में 6 कर्ण होते हैं, उसमें से 4 स्थिर हैं, और चांद्र मास में जो 60 कर्ण हैं, 60 कर्ण हैं, उसमें 4 स्थिर हैं और 56 कर्ण चल हैं। पूरे महीने में 7 चल कर्णों की 8 आवृत्ति होती है, और ये जो पूरे मास में आने वाले जो कर्ण हैं इनको भी हमारे ऋषियों ने नाम दिया है, वब, वालव, कौलब, तैतिल, गर, वड़िक और विष्टि। विष्टि को हमारे यहाँ भद्रा कहा जाता है, इसलिए देखे होंगे प्रयाग है हमारे ऋषिगण, हमारे पुरोहित हमारे भद्रा की बात कहते हैं, कहते भी भद्रा है, बात की काम मत करिए, अभी योग नहीं बना है, काम मत करिए, अभी शुभ योग नहीं है, अभी सिद्ध योग नहीं है, अभी करण योग नहीं है। तो अनुपम है, इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि ऐसा देश दुनिया में कहीं नहीं, भूखंड कहीं नहीं है, इसीलिए जो हमारे पंचांग भारतीय बने हैं वो दुनिया को के लिए आदर्श है, दुनिया के लिए मानक है। कोई वैज्ञानिक अपने किसी वैज्ञानिक तुला से इसको देख सकता है। वो समय था मित्रों जब पिछले लगभग 432 वर्षों से हम संघर्ष कर रहे थे अपनी अस्मिता को लेकर के, कर रही है, जब स्टीफन हॉकिंस अपनी गलती मान सकता है, जब उसका मित्र रोजर पिंडे अपने मित्र की बात को झुठला सकता है, वो कहता है कि ऋग्वेद का नास्तिक सूक्त ही सही है, भारत ही सही है, भारतीय कागणना ही सही है, तो दुनिया को इधर ही आना पड़ेगा। और इस दृष्टि से मित्रों पुनः हमको भारतीय इतिहास के, खास करके प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के लिए, जहां हम ये कहने की स्थिति में नहीं होते हैं कि प्राचीन कब से है, कितना एंशियंट है, कितना मोर एंशियंट है। अनेक लोगों ने पुस्तकें लिखी लेकिन जो अच्छी पुस्तकें थी उनको पाठ्यक्रम सम्मिलित नहीं किया गया। भगवत दत्त, गुरुदत्त की पुस्तकें नहीं आती हैं, डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी जिन्होंने बोर्ड का हिस्ट्री ऑफ इंडिया का लेखन परिशिष्ट से किया था, कलयुग से किया था, उसको बहुत प्रचलित नहीं किया जाता है। इसलिए समय आ गया है अच्छे मुहूर्त में, अच्छी तिथि में, अच्छे योग में, और मैं तो कहूंगा पंचांग देख करके आने वाले समय में हम कोई बड़ा अनुष्ठान करें और दुनिया को इस यथार्थ से, भारतीय कागणना की वैज्ञानिकता से, इसके प्रभाव से हम दुनिया को मंदिर खाने के लिए, जैसे सत्य भवन भागवत कहा था, हमको इस मन की अयोध्या को बनानी है। कौन से अयोध्या? अष्ट चक्र नव द्वारा देवानंदपुर अयोध्या। हर वेद कहता है यह कोई स्थान नहीं है, ये संपूर्ण विश्व को लेकर उसके केंद्र है, जहां मन ईश्वर राज्य करते हैं, जहां सर्वगुण संपन्न राम राज करते हैं, जहां महा जिनके संबंध में श्री नारद कहते हैं कि त्रैलोक में मैंने केवल एक ही पाया है, वह इच्छुआ कुल में उत्पन्न राम है।
तो इस यथार्थ को के लिए, इस बहुत दैवी कार्य के लिए महाकाल के चरण में बैठ करके मैं आप सबको, आप सबके कल्याण के लिए, आप सबके माध्यम से जगत के इतिहास लेखन के लिए, विश्व इतिहास लेखन के, भारतीयों को उसमें आगे आने के लिए, भारतीय इतिहास की विराट काया में वामन विराट बपू जो परमात्मा काल है, उस काल को पुनः स्थापित करने के लिए, भारत की जो परमात्मा है काल है, उस महाकाल की ध्वनि संपूर्ण विश्व में ऐसी गूंजे, जो ग्रीनविच लाइन की जो रेखा है पुनः भारत को चली आवे, पुनः महाकाल का स्पर्श करे, जहां कर्क और शून्य रेखांश का मिलन होता है, महाकाल को नमन करते हुए आप सबके भीतर बैठी हुई इतिहास पुरुष की दिव्य आत्मा और कालात्मा को नमन करते हुए मैं आभार के साथ मानवता महाविद्यालय जंगल भूषण के प्राचार्य श्री गोरक्षपीठ और सभी आज के इस प्रतिभाग में भाग लेने वाले सभी मेरे आदरणीय वक्ताओं, सभी मेरे श्रुति सुधी और परम ज्ञानी मेरे प्रतिभागी मित्रों, भाइयों बहनों, संपूर्ण देशवासियों, संपूर्ण जगत के वे सभी लोग जो आभासी दुनिया के माध्यम से इसका स्मरण कर सके, उन सब के चरणों में नमन करते हुए मैं पुनः वहीं आता हूं जहां से मैंने शुरू किया था। नित्याय नाथाय निरंजनाय, निमात्र निष्कंप सुखोपमाय, ज्योति स्वरूपाय नमो निभाय, गोरक्षनाथाय नमः शिवाय, गोरक्षनाथाय नमः शिवाय, गोरक्षनाथाय नमः शिवाय। नमस्कार। ज्ञानपूर्ण व्याख्यान के लिए हम सभी क्रमबद्ध अपने मनीषी, अपने आचार्य, अपने मार्गदर्शक आचार्य करते हैं। काल गणना की भारतीय पद्धति पर अत्यंत सूक्ष्मतापूर्वक व्याख्यान हम सभी का मार्गदर्शन किया, हमने हम सभी का मार्गदर्शन किया। इसलिए मैं सभी श्रोताओं की ओर से आपको हार्दिक आभार ज्ञापित करता हूँ और यह मेरा विश्वास है कि आज हम सभी भारतीय काल गणना के कुछ ना कुछ नवीन तथ्यों से हुए होंगे, उन्हें जानने होंगे। आर्यभट्ट से लेकर के आइंस्टीन और स्टीफन हॉकिंग तक के काल गणना विशेष विचारों को हमने आज बताया, सुना। हम सभी आपके पुनः आभारी हैं। भविष्य में फिर इसी विषय पर की विषय विषय अत्यंत ही व्यापक है, इसलिए इस विषय पर हम भविष्य में पुनः आचार्य वर्ग को सुनेंगे, सुनना चाहेंगे। और ज्ञान की अद्यतम सीमा तक का यह जो स्वरूप है, भारतीय स्वरूप है।